नमस्कार साथियों, मैं देवीलाल चौधरी डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उच्चिष्ठ निम्निष्ठ के पार्ट टू की। इससे पहले हमने एक पार्ट पढ़ लिया है, थ्योरी पढ़ ली है इसकी, आप वो वीडियो जाके जरूर देखना। और इन वीडियो से पहले शुरुआत से यदि वीडियो स्टार्ट करोगे तो आपको अच्छी तरीके से लिंक समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ जो भी पढ़ते हैं वो पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड बना के और फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं, तो इससे क्या है कि ये ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी पड़ती है, एकदम ग्राफ से पूरा दिमाग में सेट हो जाता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले एक नंबर वीडियो देखना चाहिए, और यदि आपकी थ्योरी मजबूत है तो ये वीडियो देख सकते हो आप डायरेक्ट, अन्यथा ये नहीं देखना, क्योंकि इस पे हम डायरेक्ट ट्रिक से चलेंगे और डायरेक्ट ट्रिक बहुत कम के समझ में आओगी। और आज मैं कुछ ऐसी ट्रिक बनाऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता, मतलब नॉर्मली ही आपको बेसिक मैथ आती है, तो वो क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो। इस तरीके से मैं कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं आज। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए। और पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। एक गजेंद्र वैष्णव का क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन था, देखो ऑप्शन लेमडा, ऑप्शन ए था लेमडा 1/2 से बड़ा, ठीक है, लेमडा 1/2 से छोटा, जो एक नंबर कोस टू कोस था ना, कोस एक्स माइनस टू लेमडा एक्स, ऐसा क्वेश्चन था कोई। उसमें फर्स्ट ऑप्शन ये था, बी नंबर पर ये था, सी नंबर पे ये था और डी नंबर पे ये था, ठीक है, ये ऑप्शन थे। अब इसमें क्या है कि आप इसको क्या करना, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी करना था, शायद नेगेटिव करना था इसको, इसको हासमान करना था। तो अपने को इसमें 1/2 से बड़ी कुछ भी रख दो, ये बात कही थी, लेमडा की वैल्यू 1/2 से बड़ी कुछ भी रख दो। अपना ऑप्शन यही था, राइट ऑप्शन भी यही है। इनका कहना है कि लेमडा की वैल्यू 2 से बड़ी भी तो रख सकते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या इसमें 2 से बड़ी नहीं इंक्लूड होंगी, इसमें 2 से बड़ी भी इंक्लूड होंगी और 2 से छोटी और 1/2 से बड़ी भी होंगी। इसका मतलब बड़ी प्रांत लेनी है अपने को। कई बार ऑप्शन में ऐसे आएगा कि दो प्रांत आपको सेम मिलेंगी, लेकिन उसमें भी आपको बड़ी प्रांत को चूज करना है, बड़ी डोमेन होनी चाहिए आपके पास। तो इसलिए आपका राइट आंसर ये नहीं होगा, ये राइट होते हुए भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बड़ी प्रांत लेनी है, बड़ी डोमेन लेनी है। मैं समझता हूं कि गजेंद्र वैष्णव की ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि लेमडा 1/2 से बड़ी क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो 1 रखोगे तो भी तो नेगेटिव हो रहा है, लेमडा की वैल्यू 1 रखोगे तो भी तो नेगेटिव हो रहा है ना, तो इसका मतलब 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसमें तो सारे इंक्लूड हैं वो, इसलिए बड़ी डोमेन लेना, ठीक है। क्वेश्चन ये हो गया कंप्लीट आपका, मैं समझता हूं ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा कि बड़ी डोमेन लेना है, ज्यादा नॉर्मल ही है। देखो पहले थोड़ी थ्योरी को रिलेटेड करते हैं और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थ्योरी मेन इसमें ज्यादा बड़ी थ्योरी है नहीं, उच्चिष्ट बिंदु किसे कहते हैं आपको मैंने कल बता दिया, ये उच्चिष्ट है और ये निम्निष्ट है, इसको ए मानो इसको बी मानो, एफ ए सबसे बड़ा पॉइंट यही तो है, में से एफ ए माइनस एच घटाओ पॉजिटिव वैल्यू, एफ ए में से ए प्लस एच पॉजिटिव वैल्यू। देखो ये तो है ए माइनस एच, ये ए प्लस एच है, तो ये तो बड़ी है, तो इसमें से ये घटाओगे तो ये तो पॉजिटिव ही आनी है, और इसमें से ये घटाओगे तो भी ये पॉजिटिव आनी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा उच्चिष्ट, ठीक है। इसी प्रकार निम्निष्ट एफ बी, बी पे निम्निष्ट है, एफ बी माइनस एफ बी माइनस एच इज नेगेटिव होनी चाहिए, और एफ बी माइनस एफ बी प्लस एच नेगेटिव होनी चाहिए, ये किसके लिए होनी चाहिए, निम्निष्ट के लिए, ठीक है, ये इसकी थ्योरी थी। कुछ एक फैक्ट है वो याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये देख लो, उच्चिष्ट हो रहा है इसका मतलब पॉजिटिव ऊपर की वर्तमान से, ह्रासमान हो रहा है इसका मतलब जब भी उच्चिष्ट होगा पॉजिटिव से नेगेटिव करेंगे। ये फॉर्मूला तब यूज लेंगे जब घात 5, 6, P, Q ऐसे हो तब, क्योंकि कितनी बार आप अवकलन कर पाओगे, इसलिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। निम्निष्ट में देखो क्या हो रहा है, निम्निष्ट में हो रहा है ये माइनस और ये प्लस, इसका मतलब माइनस से प्लस होना चाहिए, ये चीज मैंने कल अच्छी तरीके से बता दी, आज आपको रिवाइज कर दिया, ठीक है। एक चीज और देखना,
यहाँ पे देखना, दो टाइप के क्वेश्चन और मिलेंगे। अपन क्या करते हैं, एफ एक्स मान लो कुछ भी दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दे दिया, ठीक है। इस पे हम क्या करते हैं, विधि ये हुई, एक्स एफ डैश एक्स निकालते हैं, जीरो करते हैं, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, बड़ा करते हैं, तो निम्निष्ट, ठीक है, विपरीत होता है इसमें, एफ छोटा आ जाए तो उच्चिष्ट। एक तो टाइप नंबर क्वेश्चन ये है। दूसरा टाइप का है साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, इसमें आता है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन और देखो आप, एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, एफ एक्स इजल टू 40 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करोगे तो इसमें प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको जेड मान लो आप, ठीक है, और वन अपॉन जेड कर दो, वन अपॉन जेड करके इसको एफ एक्स मान लो, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन 40। लेकिन अपन ने एक थ्योरी पढ़ी है, कि कल हमने एक थ्योरी पढ़ी थी कि एफ एक्स उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, निम्निष्ट है तो वन अपॉन एफ एक्स इसका उल्टा होगा, उच्चिष्ट है तो निम्निष्ट होगा और निम्निष्ट है तो उच्चिष्ट होगा, एक इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो एक तो आरपीएससी ये टाइप पूछती है, दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन, और तीसरा इस टाइप का क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। पांचवा प्रकार का क्वेश्चन है कि एक ही क्वेश्चन में दो या तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछना, मतलब उसमें सांतत्य भी पूछ सकता है, उसमें अवकलज भी पूछ सकता है, उसमें वर्धमान भी पूछ सकता है और ह्रासमान भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये पांच प्रकार के क्वेश्चन है। एक नंबर पे तो ये आएगा जो नॉर्मली एफ डैश एक्स जीरो करेंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सेकंड साइन एक्स कोस एक्स का इसी तरीके से करेंगे, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक थर्ड नंबर टाइप का क्वेश्चन है, इसको दोबारा देखो आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखो यदि एफ एक्स उच्चिष्ट है तो वन अपॉन एफ एक्स क्या हो जाएगा, निम्निष्ट हो जाएगा, ये समझ में आ गई होगी। एफ एक्स यदि निम्निष्ट है तो वन अपॉन एफ एक्स क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे, इसको इजी करने के लिए हम वन अपॉन एक्स को एफ एक्स मानेंगे, ठीक है। फिर देखो एक क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन से, दूरी न्यूनतम दूरी क्या है, उच्चतम दूरी क्या है, उसमें मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, आपको कुछ भी एफ डैश एक्स कुछ भी नहीं लगाना है फिर भी आप क्वेश्चन को सोल्व करके आओगे, ठीक है। उसमें जो इक्वेशन दी है उसको पूरा रिलेटेड करके डायरेक्ट ही ऑप्शन पे टिक करके आओगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का यही पर्पज है कि आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड कर पाओ, और इससे क्या है कि आपकी मेरिट भी मेरिट में आ जाओ और इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। अब पांचवा नंबर है ए और बी की वैल्यू फाइंड करवाएगा, और छठा नंबर क्वेश्चन है डायरेक्ट पॉइंट से कोई दूरी पूछेगा, ठीक है। एक सातवां क्वेश्चन और है, ये सातवां नंबर का क्वेश्चन है, वो पूछते कम ही है, लेकिन जैसे गोले के अंदर कोई शंकु दे दिया, गोले के अंदर कोई बेलन दे दिया, या फिर वृत्त के अंदर कोई आयत दे दिया, इस प्रकार के कोई क्वेश्चन होगा तो मतलब 3D 2D के रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो इसमें होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, हमने थ्योरी देख ली दोबारा रिवीजन में। एक और देखना, मोड एक्स और एक्स की क्यूब, ये दोनों ही देखो, मोड एफ एक्स इजगल टू, यदि आपको मोड एक्स दे दे तो क्या होगा इसका भी, इसको खोलोगे माइनस एक्स, एक्स से छोटा एक्स, एक्स से बड़ा हो जाएगा। एफ डैश एक्स अपना तो जीरो आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, माइनस वन और वन आ रहा है, तो इसका मतलब ये निम्निष्ट बिंदु या उच्चिष्ट बिंदु नहीं देता, लेकिन ये बात तो गलत है क्योंकि ये तो देता है भाई जीरो पे, इसलिए ग्राफ भी याद रखा करो, ठीक है। दूसरी बात है एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स की क्यूब, आप इसका एफ डैश एक्स निकालोगे 3x2, एक्स इक्वल टू जीरो पे ये क्या है, जीरो हो रहा है, लेकिन क्या ये उच्चिष्ट निम्निष्ट बिंदु देता है, नहीं देता, इसलिए आपको ग्राफ याद करने जरूरी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी देखो, एक
असीमित, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। देखो ये साइन है, ये ऐसे आगे चलता जाएगा। ये निम्निष्ट पॉइंट है -π/2, ये π/2 पे उच्चिष्ट, 3π/2 पे निम्निष्ट, 5π/2 पे उच्चिष्ट, फिर 7π/2 पे निम्निष्ट, ये इस तरीके से आगे चलता रहेगा। तो साइन एक्स कोस एक्स सेक एक्स और कोसेक एक्स, ये असीमित चरम बिंदु देते हैं, असीमित चरम बिंदु देते हैं, असीमित चरम बिंदु। फिर देखो e की पावर x, a की पावर x, log x, tan x, cot x, ये सभी क्या है, वर्धमान और ह्रासमान फलन है हमेशा। ये चरम बिंदु नहीं देते, ये चरम बिंदु नहीं देते, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यदि एफ एक्स उच्चिष्ट या निम्निष्ट है तो उसका यदि आपने e ले लिया या फिर लोग ले लिया तो वो उचिष्ट निम्निष्ट हो सकता है या होगा, ठीक है। तो ठीक है, इतनी लगभग ये थ्योरी है, और आप इनके ग्राफ तो रट लेना क्योंकि इसकी प्रांत परिसर, ये चीज तो मैं हर टॉपिक में यूज आगे भी लूंगा, यही भी लेता रहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन भी ज्यादातर इसी में से उठाएगी आरपीएससी। और सेक एक्स, हाँ एक और है, सेक एक्स और कोसेक एक्स, इन दोनों की कंडीशन ये है कि निम्निष्ट बिंदु है ना बड़ा होता है उच्चिष्ट से, निम्निष्ट बिंदु है वो उच्चिष्ट से बड़ा होता है। ये देखो भाई इनका ग्राफ, ये तो सेक एक्स का है और यहां पे -1 है, तो ये दो इसका उच्चिष्ट है और ये इसका निम्निष्ट है। ये जो मैंने फर्स्ट रिविजन किया है ये हमने कल अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो आप वो वीडियो आप जाके देखना, फिर इस रिविजन को देखना, और आज ये उच्चिष्ट निम्निष्ट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो एक कल क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है तो चलो क्वेश्चन देख लो क्या है। कल जो क्वेश्चन था कि a की वैल्यू 1 से लेके 5 तक थी, x माइनस k की पावर 5, ठीक है। इसमें x की वैल्यू क्या होगी, ये f x है, इसको कैसे किया भाई आपने, नहीं यहां स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको बनाओ आप, x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 4 का स्क्वायर, x माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, f डैश x निकालो, ये 2x-1, 2x-2, आकलन करना है इसका, x 2x-3, 2x-4, 2x-5, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, ये इजल टू जीरो, उचिष्ट निम्निष्ट देखा तो x की वैल्यू पूछी अपने को, तो इसका जीरो होगा। अब x की वैल्यू देखो, 2, 4, 6, 8, 10, टेन एक्स इजल टू ये कितना हो गया, 15, 15-13, x इजल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन, ये कल का क्वेश्चन हो गया, एक वो लेमडा वाला आपको समझ में आ गया होगा कि बड़ी डोमेन लेते हैं। अब बड़ी डोमेन का मतलब ये नहीं है टू बड़ा है, बड़ी डोमेन का मतलब है कितने एलिमेंट ज्यादा आ रहे हैं उसमें, ठीक है। डोमेन बड़ी का मतलब ये नहीं है कि आप वैल्यू उससे बड़ी ले लो, उसमें एलिमेंट ज्यादा आने चाहिए, ठीक है। तो मैं चलता हूं फर्स्ट रिविजन में कंप्लीट करके आगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इजल टू दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स, एफ डैश एक्स निकालो, फिर एफ डबल डैश एक्स निकालो, फिर यहां से एक्स की वैल्यू निकालो, और आप उचिष्ट मान, ये नेगेटिव आ रहेगा वो वैल्यू, यहां से वैल्यू पुट करना है जो हमने कल किया है, ठीक है। इसकी अपेक्षा तो मैं ये बता दूं थोड़ा आसान है, इसमें कैलकुलेशन आसान है, मतलब एक्स एफ एक्स इजल टू एक्स की 5-4, 5x की क्यूब -1, एफ डैश एक्स इजल टू 5x की 4 -20x की क्यूब प्लस 15x², ठीक है। देखो एफ डबल डैश निकाल लो यहीं से, 20x की क्यूब -60x² प्लस का
30x, देखना कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है। हाँ ठीक है, अब देखो आप यहां से वैल्यू निकालो, इसको जीरो करके एक्स की वैल्यू निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, 5x की स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगी आपकी, 5x स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगी, यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3, इसका मतलब ये बचेगा भाई इजगल टू जीरो, 0, 1 एंड 3 इसके पॉइंट होंगे। अब चेक करो यहां पे, 1 को चेक करो, माइनस हो रहा है, एक्स इजगल टू 1 पे नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब एक्स इजगल टू 1 पे क्या दे रहा है, ये उचिष्ट मान दे रहा है, जो नेगेटिव होगा वो उचिष्ट देगा। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो मैं ये बता रहा था, इस टाइप के क्वेश्चन भी आरपीएससी पूछती है और आजकल इस टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं फेमस, ठीक है, क्योंकि ये समतुल्य में भी ऐसे ही फंसा देती है और इसमें भी ऐसे ही पूछती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो भाई। और कई बार क्या है कि एक चीज और देखना कि एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है फिर भी चरम बिंदु नहीं दे रहा है, एफ डैश एक्स जीरो नहीं हो रहा है फिर भी चरम बिंदु देता है, तो ये चीज कई बार ये जो फेल होता है ना, आपका जो नियम है सिद्धांत है वो फेल होता है, वहां से क्वेश्चन उठने के ज्यादा चांस होते हैं। तो एक तो मोड एक्स का, एक्स की क्यूब का, एक इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखना, ठीक है। एफ एक्स इजल टू अपने पास क्या दे दिया अभी, माइनस 1 से 2 के बीच में ये इक्वेशन है और 37 माइनस एक्स की 2 और 3 के बीच में है। अपने को वर्धमान है, वर्धमान का मतलब तो सीधा सा यही होता है, एफ डैश एक्स इजल टू 0 से बड़ा करो, इसका मतलब एफ डैश एक्स निकालो 6x, डायरेक्ट करूंगा आज क्योंकि पीछे कल हमने आराम से किए हैं सभी क्वेश्चन, 2 घंटे का वीडियो है वो आप जाके देखना, आज हम फास्ट चलेंगे। एफ डैश एक्स एक्स इजल टू क्या हो गया, अब देखो यहां तो 0 ले लो, एक ही पॉइंट लेते हैं हम, तो भाई एक ही पॉइंट लेते हैं उसमें ही काम बन जाता, तो 0 ले लो, 0 लोगे तो पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है इसका मतलब ये तो सही है, ठीक है। और भी चेक कर लो कहीं फेल तो नहीं हो रहा है, फेल नहीं होगा क्योंकि यहाँ 12 तक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि ये नेगेटिव में, तो केवल -1 से लेके 0 के बीच में ही रख के देखना आपको, क्योंकि उससे बाद में तो पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव कहाँ हो सकता है, इसके बीच में ही हो सकता है, ये संख्या कम है इसलिए नहीं होगा। वर्तमान के वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बताए हुए हैं, उसमें डायरेक्ट ट्रिक भी बताई है, वो वीडियो आप जाके देखना। अब देखो सांतत्य, सांतत्य का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला लेफ्ट साइड राइट साइड और फलन का मान तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यदि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है तो लिमिट बराबर होगी, सांतत्य नहीं होगा, लेकिन यदि फलन का मान भी लेफ्ट साइड और राइट साइड लिमिट के इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, आपका सांतत्य हो जाएगा। क्वेश्चन देखो यहां रखो, 3 2 पे चेक करो आप, 12 2 -1 इजगल टू 4 3, 12 हो गया, 24 हो गया, 36 -1 35 हो गया, देखना इसको, 37 -2 इजगल टू 35 इक्वल आ रहा है, फलन का मान मतलब फंक्शन की वैल्यू, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी, 2 पे, तो ये 35 ही हो जाएगी, तो इसका मतलब सांतत्य हो रहा है, ठीक है। उचिष्ट, उचिष्ट क्या होता है, उचिष्ट में यह ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को इसीलिए मैंने कोट किया है कि उचिष्ट को इसमें वो नियम आपका फेल होगा शायद, उचिष्ट में देखना आप, उचिष्ट में अपने को तो यही देखना है, एक्स इजगल टू 2 के इक्वल, तो ये है यहां देखना क्या हो रही है, ऊपर एफ डैश एक्स हमने निकाली है 6x, और एफ डबल डैश एक्स निकालोगे यहां पे तो ये 6 आ जाएगा, मतलब 0 से बड़ा, तो ये कह रहा है कि ये तो निम्निष्ट, ये 2 पर उचिष्ट है, 6 से बड़ा किस पे है अभी पता नहीं है, ये निम्निष्ट भी है फलन, उचिष्ट भी है, लेकिन उचिष्ट यहां पे 2 पे उचिष्ट है, लेकिन ये वैल्यू यहां से अपने को रॉन्ग बता रहा है, लेकिन देखते हैं क्या। पहली बात तो ये चेक करना कि ये 2 ऑप्शन सही है, इसका मतलब उपरोक्त सभी पे चले जाना, ठीक है, क्योंकि कई बार नियम फेल कर देता है ना, तो उचिष्ट निम्निष्ट रह जाते हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं फिर कि ये क्यों हो रहा है, कैसे कहां पे प्रॉब्लम आ रही है इसकी, ठीक है, प्रॉब्लम कहां पे आ रही है ये चेक करो आप, चेक करोगे एफ एक्स इजगल टू 3x² + 12x - 1, इसका मतलब देखो
सिक्स एक्स एफ डैश एक्स निकालो, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 12, तो एक्स प्लस टू, देखो टू माइनस एच रखो तो माइनस का हो रहा है, नहीं प्लस का हो रहा है, क्यों, टू बड़ा है ना, टू माइनस एच रखो तो प्लस का हो रहा है, टू बड़ी संख्या है क्योंकि टू टू फोर हो रहा है, ठीक है। और यहां पे कोई मिस्टेक, यहां माइनस हो सकता है, देखना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को यहां चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक है, वो मिस्टेक मैं बता दूंगा बाद में, बाकी आपको माइनस से प्लस का देखना है इसमें, तभी आप ये क्वेश्चन हो पाएगा। नेक्स्ट है एफ एक्स इजल टू वन प्लस टू साइन एक्स प्लस वन प्लस टू साइन एक्स प्लस का थ्री कोस स्क्वायर एक्स, क्या चाहिए एफ डैश एक्स चाहिए अपने को, ऐसा क्वेश्चन एक बताऊंगा साइन एक्स वाला, बाकी आप कर लेना। देखो टू कोस एक्स माइनस का सिक्स साइन एक्स और कोस एक्स, देखो कोस स्क्वायर का क्या हो गया टू कोस एक्स साइन एक्स, माइनस पहले आएगा कोस का तो ये लगा लिया, टू नीचे आएगा सिक्स हो गया, डायरेक्ट ही करना है आपको भी, टू कोस एक्स कॉमन ले लो, वन माइनस थ्री साइन एक्स इजगल टू जीरो, अब दो वैल्यू आ गई एक्स इजगल टू पाई बाई टू और एक एक्स इजगल टू साइन एक्स इजगल टू वन बाई थ्री है, वन बाई थ्री। तो अब चेक करना भाई एफ डबल डैश एक्स निकालो, ये क्या हो जाएगा माइनस का टू साइन एक्स, इसको तो फिर यहां कैलकुलेशन के लिए ये किया था, इसको तो मैं फिर ऐसे कर दूं वापिस साइन टू एक्स ताकि इजी हो जाए, माइनस का सिक्स कोस टू एक्स, ठीक है। अब इसमें पाई बाई टू रखो, ये माइनस, ये आपको क्या चाहिए पाई बाई, ये प्लस का माइनस वन प्लस का सिक्स, ठीक है, डायरेक्ट ही आओ आप, फोर पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब पाई बाई टू पे निम्निष्ट हो रहा है। जिनको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है वो पहले का वीडियो देखो एक, क्योंकि यहां डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है, एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश डबल डैश एक्स निकालना है और डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आजकल ये भी ट्रेंड बन चुका है कि क्या करता है कि अपने को क्या करता है डोमेन दे देता है, जीरो से टू के बीच में डोमेन दे देता है, और डोमेन के अंदर ही अपने को बताना होता है हम, जैसे मान लो एक्स इजल टू थ्री पे आ गया या माइनस वन पे आ गया, तो वो वैल्यू भले ही न्यूनतम या अधिकतम हो वो नहीं बतानी है अपने को, यदि माइनस वन पे आ रहा है तो फिर जीरो या फिर ऊपर देखो आप कहां पे, माइनस वन वाली नहीं बतानी है क्योंकि इस डोमेन के अंदर ही लेनी है अपने को। तो इसलिए ये निकालो y इजल टू एक्स की क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस का टू वाई की क्यूब, ठीक है, वाई डैश निकालो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इजगल टू जीरो एक्स इजगल टू प्लस माइनस वन, ठीक है, फिर ये सिक्स है हो गया, आपको उचिष्ट चाहिए इसका मतलब माइनस वन, ये दे रो आ रही है ना, आप माइनस वन रखोगे तो इसका मतलब माइनस वन पे उचिष्ट हो रही है, लेकिन अपने को तो इसमें ही लेनी है, सबसे बड़ी वैल्यू कहां पे आ रही है वो लेनी है, तो उचिष्ट लेनी है तो माइनस वन पे ही उचिष्ट होगी, तभी तो ये नेगेटिव होगा, तो देखो आप बड़ी संख्या किस में आ रही है, फिर उचिष्ट मान इसको चेक करना और फिर आपका ये मैच हो जाएगा, क्योंकि अपने को लेनी माइनस वन नहीं है, एक्स की वैल्यू माइनस वन नहीं रख सकते हम, माइनस वन नहीं रखनी है अपने को, आ माइनस वन रही है लेकिन फिर इसमें से चेक करना है उचिष्ट मान इसमें से किस पे हो रहा है, टू पे हो रहा है या फिर किस आगे कुछ और पे हो रहा है, चेक करना है इसको। नेक्स्ट देखो एफ जीरो है, ठीक है, ये भी जीरो है, एफ विषम हमेशा जीरो होनी चाहिए तभी ये क्या होता है, लेकिन ये तो बड़ा बता रहा है इसका मतलब चरम बिंदु इस पे नहीं है, ये देखो देखो इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है ना, इनको डायरेक्ट करा करो, या तो माइनस की सभी घात माइनस की हो और प्लस का निशान हो, या फिर सभी माइनस के निशान हो, या फिर सभी घात पॉजिटिव, मतलब ये क्या हो सम हो,
इनको डायरेक्ट करना, जब सम घात होंगी ना तब तो हमेशा निम्निष्ट होगा। तो आप यदि ऐसी कोई दिमाग लगा लेता है वो तो डायरेक्ट करेगा निम्निष्ट। अब कैसे होगा वो देखो, आप 2 + x^4 + 6x^4 देखना, डायरेक्ट ही करेंगे इसको। आपको जब भी सम आए तो आप, और सभी प्लस हो तो डायरेक्ट ही निम्निष्ट करना है आपको, एक ही डायरेक्ट आंसर करना, निकाल के नहीं करना। लेकिन ये क्वेश्चन मैं एक बार निकाल के बता देता हूं, fx = क्या हो गया, 8x + 24x³, ठीक है, और 48x⁵ हो गई। इसको यदि जीरो करोगे तो x कॉमन लेके x = 0 हो जाएगा। f" करोगे, देखो अब देखना, 8 + 72x² प्लस ये कितना हो जाएगा, लगभग 120, ये देखना 140 160, जो भी हो रहा है, मतलब x⁴ आएगी, ठीक है। अब देखो ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि x की वैल्यू यहां कुछ भी रख दो आप, ये पॉजिटिव करेगा, ये पॉजिटिव करेगा, ये यहां कर नहीं सकता। मतलब मेन चीज समझने की ये है, यदि घात पॉजिटिव आ गई तो x = 0 पे निम्निष्ट बिंदु देगा। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, यदि आपको ऐसा, यही तो देखते हैं एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को एक ऐसी हिंट देखता है कि वो डायरेक्ट ही टिक ऑप्शन होने वाला हो। डायरेक्ट हिंट आपको पकड़ में आई, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें मैं ये, जैसे एक तो जहां भी ऊपर घात सम दिख जाए आपको और साइन सेम दिख जाए, देखो साइन यदि प्लस दिख गया तो ये क्या होगा, हमेशा निम्निष्ट होगा। यदि साइन सभी माइनस दिख जाए, सभी माइनस की बात कर रहा हूं, तो उच्चिष्ट होगा क्योंकि सभी या माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और माइनस कॉमन आ जाएगा तो वो वैल्यू निम्निष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को आप, मैं मानता हूं कि समझ गए होंगे कि निम्निष्ट उच्चिष्ट डायरेक्ट कैसे करते हैं इसको। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा और वो ही ट्रिक आप एग्जाम में यूज करना, ताकि आप f - x से पीछा छूट सके थोड़ा बहुत। नेक्स्ट, अब देखो ऐसे क्वेश्चन हमने कल कर लिए हैं खूब, आपको अभी मैं इक्वेशन बना देता हूं। देखो एक तो x हो गई, y की वैल्यू यहां से निकालते हैं, x - 8, अब निकाल लो f - x क्या हो जाएगा, 2x - 8 = 0, x = 4, ठीक है। x = 4 आ गई तो यहां पे वैल्यू पुट करो, 4 × 4 - 8 = -16, x = 4। देखो उच्चिष्ट मान चेक करना है, उच्चिष्ट देखना भैया, y = 8x - 8 है तो f - x, ये \ करोगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है, नहीं नहीं 8 - x होगा ये, देखो दोबारा देखो इसको, इसमें क्या है कि साइन की मिस्टेक कर दी हमने, देखो चलो पूरा ही देख लो, अब 8 है, f(x = y) की वैल्यू यहां से क्या निकालोगे, 8 - x, x * 8 - x = 8x - x², ऐसा होगा। f - x निकालोगे तो 8 - 2x = 0, x = 4 आ गई, 4 की वैल्यू यहां रखो, 4 = 16, आपका आंसर मैच हो गया, ठीक है। उच्चिष्ट मान क्या हो जाएगा, 16। और एक बात ध्यान रखना, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान, उच्चिष्ट मान निम्निष्ट से छोटा हो सकता है, उच्चिष्ट छोटा हो सकता है, सेक को सेक में हमने देख लिया है। कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें उच्चिष्ट मान निम्निष्ट से छोटा होगा। देखो ए वाला टाइप का क्वेश्चन ये है, जैसे ए बी की वैल्यू फाइंड करवाते हैं ना, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को आप f(x = क्या हो गया आपका, a cos x - 1/3 cos 3x, f - x निकालो क्या हो जाएगा,
माइनस ए साइन एक्स माइनस का, देखो थ्री पहले आ जाएगा प्लस हो जाएगा साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, वैल्यू क्या है पाई बाई सिक्स है, तो यहाँ ए बाई टू कर दो क्योंकि साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू वन बाई टू होती है, साइन पाई बाई सिक्स वन हो जाएगा, ये यहाँ पाई बाई टू करोगे तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाई टू, पाई बाई सिक्स पुट करोगे यहाँ तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई टू हो जाएगा, वन हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू आपके पास टू आ गई, ये लो मैच। इस टाइप से आपको कम से कम कैलकुलेशन करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देखो, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं दो तरीके बताऊंगा, एक तो डायरेक्ट बताऊंगा और एक पहले तो बुक की इस तरीका देख लो आप कि इसको क्या लिख सकते हो भाई आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन माइनस प्लस का टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक तो ये तरीका हो जाएगा, इसको आप मान लो वन अपॉन जेड, फिर जेड का निकालो और इस टाइप से आप करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा तरीका देखो डायरेक्ट, ये तो आप करना, ठीक है। दूसरा तरीका अपना क्वेश्चन दे दे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, हम जाएंगे ऑप्शन से। देखो पहले बात सबसे बड़ी वैल्यू उच्चिष्ट मान चाहिए तो थ्री मान लेते हैं भाई, थ्री इसमें है, थ्री सबसे बड़ा तो थ्री है, क्या ये थ्री प्राप्त कर सकता है, एक्स इजल टू वन पुट करो थ्री प्राप्त कर रहा है भाई, इसका मतलब उच्चिष्ट तो थ्री हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उच्चिष्ट वैल्यू थ्री प्राप्त कर रहा है तो काट दो इन दोनों को। लड़ाई बची निम्निष्ट की, ठीक है, निम्निष्ट ये छोटा है कि ये छोटा है, छोटा है ये, इस पे आओ, आपको ऑप्शन में पे जाओगे ना बहुत आसान हो जाएगा, इस पे करोगे तो आप जेड मानते रहना, फिर करना आप मजे से, लगभग पूरी नाइट रहेगी आपके पास 10 बजे के बाद में तो। लेकिन इस पे निम्निष्ट का देखो, उच्चिष्ट का तो आपका लग गया, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्या ऑप्शन रखेंगे ये थ्री आ जाए, ठीक है थ्री आ सके, यदि थ्री नहीं आया तो फिर हम टू पे ट्राई करेंगे, जब भी जैसे मतलब एक से काम नहीं बनता है तो दूसरे पे ट्राई करते हैं, उसी तरीके से एक्स इजल टू जीरो पुट करो आप, एक्स इजल टू जीरो पुट करने पे वन आ रहा है, ठीक है वन से नहीं, एक्स इजल टू माइनस वन और पुट करो, माइनस वन पुट करोगे तो माइनस वन प्लस नहीं प्लस वन माइनस वन प्लस वन, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर देखो वन प्लस वन प्लस वन, ठीक है ये कट गया, वन बाई थ्री भी प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब निम्निष्ट ये होगा, आपको केवल ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन से ही करना है ये वैल्यू, कभी सेकंड ग्रेड बन जाओ उसके बाद में करना। एक इसको भी डायरेक्ट करेंगे, ठीक है देखो इसको कैसे डायरेक्ट करेंगे, अब ऑप्शन से हैं कुछ, मैं तरीके ऑप्शन से ही बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा आसान रहे, और यदि नहीं भी आता हो ना तो भी ये दिमाग तो आप लगा सकते हो, कोई भी तरीका आपको नहीं आ रहा है तो ऐसा दिमाग लगा लेना आप, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उसी तरीके से करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो दिया हुआ कंडीशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और अपने को एक बिंदु दे दिया, ठीक है एक तो तरीका है अपने को क्या करेंगे भाई, जो मैं बताऊंगा इसी तरीके से, एक को x को क्या मान लो आप, x ही मान लो और y की एक्स स्क्वायर, ये तो इसके पॉइंट हो गए, ठीक है y का एक्स स्क्वायर आपका आ गया, इन दोनों के बीच की हम निकालेंगे डिस्टेंस और करेंगे तसल्ली से, लेकिन डायरेक्ट वाला देख लो एक बार, ये दो देखो सेटिस्फाई कौन कौन कर रहा है, माइनस वन वन कर रहा है क्या, कर रहा है सेटिस्फाई, ये भी कर रहा है, एक्स की वैल्यू टू रखो तो फोर, ये भी कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई सारे कर रहे हैं, ठीक है इसका मतलब न्यूनतम वैल्यू देखो किससे आ रही है, ये थ्री जीरो से और माइनस वन और वन से चेक करो, आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा, ये देखो दोनों जुड़ रही है, ठीक है ना, लेकिन इसमें तो ये थ्री घटेगी,
अरे भाई एक्स माइ एक्स वन माइनस एक्स टू का है तो होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर का रूट ही तो करते हैं। तो आपका दिमाग नहीं लग रहा है कि ये तीन में ये माइनस है तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस होगी, इसका मतलब ये दोनों तो कभी भी निम्निष्ट नहीं हो सकते। माइनस इससे अच्छा तो यही है, यही दोनों ऑप्शन है इससे अच्छे। तो माइनस माइनस वाले तो यहां प्लस हो जाएंगे, तो ये तो फोर का स्क्वायर तो और ही ज्यादा हो जाएगा। यदि यहां प्लस होता तो थ्री माइनस वन हो गया टू ही हो जाता, टू का स्क्वायर तो फोर ही होता। ऐसे दिमाग लगाना है, इसलिए माइनस वाला तो नहीं होगा। तो एक्स की वैल्यू माइनस वाला नहीं होगा। अब इन दोनों पे ट्राई करो, ठीक है, इन पे ट्राई करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा आपका, थ्री माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो ये तो क्या हो जाएगा फोर प्लस वन का रूट। ठीक है, इसको आपके देख रहे हो वन हो जाएगा, लेकिन यहां पे 16 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये इतना फास्ट सोचना, आपको चारों ऑप्शन को एक साथ सोचना है कि कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, कौन कौन से हम अपने पास बचेंगे और उस उनको ट्राई करेंगे। और ट्राई करने की आवश्यकता नहीं, आपको फोर दिख रहा है, फोर का 16 जा रहा है, इसमें 16 नहीं जाएगा, ये अपने को डायरेक्ट ही पता चल रहा है। तो ये करनी है डायरेक्ट ट्रिक से, ये मैं इसमें ट्रिक बताऊंगा, ये ट्रिक के ही ज्यादातर यूज करना आप, और अपने में इतनी प्रैक्टिस करना कि खुद में इतना कॉन्फिडेंस लेके आना कि मैं ट्रिक से करूंगा वो राइट जाएगा, अन्यथा एक दो बार में तो राइट नहीं जाएगा, और यदि राइट भी चला जाएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने अंदर ये ट्रिकों का कॉन्फिडेंस लेके आना है। अब देखो इसको ले गया हो आप, हम पी से दूरी को या डिस्टेंस को डी या पी से लिख लो एक, और मैं इसको पी स्क्वायर कर लेता हूं क्योंकि अपने को रूट हटाना पड़ेगा, साथ में रूट आएगा दूरी डिस्टेंस के फॉर्मूले में, तो डिस्टेंस के फॉर्मूले में रूट आएगा तो स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। अभी पी स्क्वायर को आप एक्स मान लो, लेकिन जब लास्ट में वैल्यू निकालो ना तो रूट ये स्क्वायर फिर रूट हटाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा आप अपने को, तो ये ध्यान में रख लेना आप। तो ये देखो भाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर, ये आपका एफ एक्स आ गया। एफ डैश एक्स निकालो, टू एक्स माइनस थ्री फोर एक्स की क्यूब आ गई, ठीक है, इज इक्वल, इसको जीरो करना है अपने को। ठीक है, देखो वैल्यू सही रखी है ना, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर है और एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर भी फोर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स की वैल्यू क्या वन रखते हैं, यहां जीरो हो रहा है, चेक करते हैं, टू एक्स माइनस सिक्स प्लस इजगल टू जीरो। अब इस इक्वेशन को देखो भाई, इस इक्वेशन एफ डबल डैश वो नहीं निकालना है अभी, एफ ट्रिपल डैश लग जाओ कहीं निकालने, अपने तो जीरो आएगा उसी टाइम रुकेंगे, अपने को डायरेक्ट ही, अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अपने को डायरेक्ट ही देखना है। देखो एक्स इजगल टू जीरो कब हो रहा है, एक्स इजगल टू वन पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो टू सिक्स सिक्स माइनस सिक्स सिक्स माइनस सिक्स जीरो हो रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी वन, तो यहां वन होगा तो यहां वन का स्क्वायर वैल्यू वन और वन, ये लो। दूसरा इस तरीके से करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसी तरीके से आपको डायरेक्ट चलना है, और डायरेक्ट चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा बस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का योग तीन है, भाई दो लो एक संख्या ये और थ्री माइनस एक्स, आगे क्या कह रहा है, प्रथम और दूसरी का वर्ग का गुणनफल, प्रथम का भी वर्ग और दूसरी का, प्रथम और दूसरी का, दूसरी के वर्ग का गुणनफल, प्रथम मैं इसको मानूंगा और दूसरी मैं इसको मानूंगा, क्यों मानूंगा, क्योंकि इसको स्क्वायर करेंगे हार्ड पड़ेगी, इसलिए अपने को थ्री माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर ही मान लो। ठीक है, ये आपके एफ एक्स आ गई। ठीक है, आगे निकालना। अब देखो ए एंड बी की वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है, एक्स की क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ डैश निकालो, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का टू ए एक्स प्लस का बी, देखो इसको इजगल टू जीरो, देखो जी जी प्रैक्टिस करोगे ना उसके बाद में ये ऑप्शन आप डायरेक्ट ही टिक कर दोगे। ठीक है,
क्यों कर दोगे? इसमें मैंने ऑप्शनों को ध्यान से नहीं देखा, शुरुआत में मैं क्वेश्चन करने लग गया, लेकिन यदि आपको ऑप्शन में देखोगे तो ये सी तो जीरो हो रहा है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ भी वैल्यू हो चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ये तो आगे एफ डैश एक्स में जीरो हो रहा है, इसका मतलब इसको तो हम आर ही ले सकते हैं। तो आपका 80% आंसर या 90% आंसर ये होगा, ठीक है, ये नजर में रख लेना। यदि टाइम नहीं बचे, तुक्का मारना पड़े, तो ऐसे ऑप्शन पे तुक्का मारोगे, ठीक है, क्योंकि अगला जीरो भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, जीरो भी आर में आता है, लेकिन 90% तक यदि तुक्का मारने की नौबत आए तो इस पे मारना, जब भी टाइम कम मिले, फिर यदि बच्चे ऐसे क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, वैल्यू माइनस वन रखोगे तो 3 - 2a + b = 0, ठीक है। अब देखो ऑप्शन से 3, फिर आपका यही ऑप्शन चेक करना है, 3 तो हो गया, प्लस का 6, माइनस का 9, अरे वाह, ये लो ऑप्शन। इस तरीके से आपको करना है, आपको सोच लेना कि ये ऑप्शन होगा, यदि ऑप्शन से करना चाह रहे तो, और फिर ऑप्शन से आप डायरेक्ट टिक मारना, ठीक है ना। इसको मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि सी का आर इसी में दिया हुआ था, इसलिए चूज किया मैंने, और इस काम बन गया। फिर भी यदि नहीं निकालते तो एक इक्वेशन तो ये आएगी, दूसरी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन एक्स इजगल टू 3 रखेंगे, ये तो आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ये कितना हो जाए 27 हो जाएगा, ये 6a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। अब एक नंबर इक्वेशन ये मान लो और दो नंबर इक्वेशन, दो इक्वेशन है, दो वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन वैसे कर लिया, एक और कर देता हूं, उसके बाद में साइन वाले क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, और साइन वाला एक आरपीएससी ने एक बार 2018 में पूछा हुआ भी है, ठीक है, 2 sin x + cos 2x, ठीक है, डायरेक्ट आओ f डैश x इज इक्वल टू 2 cos x - 2 sin 2x, ठीक है। अब देखो इसमें से 2 cos x कॉमन लो आप, 1 - 4, यहां देखो यहां लेके आओगे 2 बाहर ले लिया, 2 बचेगा अपने को, साइन 2x को क्या लिखोगे, 2 sin x cos x, वो दिमाग में ही रखना है, और वो दिमाग में ही cos x कॉमन लेना है, कल मैंने बताया था 2 cos x दिमाग में ही लेना है, तो 2 sin x इज इक्वल टू 0। देखो अब डायरेक्ट करना है आपको, पूरी कैलकुलेशन नहीं है, x कब 0 होता है भाई, पाई बाई 2 पे हो रहा है, आपको ग्राफ का पता है, साइन 1/2 कब हो रहा है, पाई बाई 6, ये दो वैल्यू है, दोबारा निकालो f(f"x, ठीक है, माइनस का 2 sin x, माइनस का 4 cos 2x, cos 2x। अब देखो पाई बाई 2 पे तो -2 हो गया, और यहां पाई बाई 2 करोगे तो प्लस का, यहां -1 देगा आप, क्योंकि कोस पाई -1 होता है, माइनस माइनस प्लस के प्लस 4 हो जाएगा, ये वैल्यू बड़ी है, अपने को चाहिए निम्निष्ट, पाई बाई 6 पे आएगी, फिर किस पे आएगी, पाई बाई 6 पे आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो बिना टाइम खाए हुए आपका आंसर देगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन f(x) f(x) निकालना, और कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर ही करनी है, और ये आदत भी डालनी है, क्यों, आदत से ही ये कैलकुलेशन हो पाएंगे, अन्यथा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इनको कैलकुलेशन से। और सिलेक्शन कभी मायने नहीं रखता, आपको कितना आता है, आप कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, वो सबसे बड़ी मायने चीज है। ठीक है, आप सारे पेपर सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आपको 2 दिन दे दे तो, लेकिन आपको 2.5-3 घंटे में आप कितना कर सकते हो वो मायने रखेगा, वो ही आपकी मेरिट रखेगा। इसलिए हम तभी तो, मैं सारे वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, सभी ऑप्शन से ही ज्यादातर क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन है ना कभी आपको धोखा नहीं देगा, ये विश्वास रखना पड़ेगा अपने आप पे और ऑप्शन पे, दोनों पे। तो देखो f(x) = cos 3x है, f(x) निकालो, -3 sin x 3x 0, ठीक है, x = 0 पे भी होती है
x इजल टू पाई पे भी जीरो होती है, लेकिन 3x है। आवर्ती में मैंने क्या बताया था कि यदि यहाँ मल्टीपल 3 हो पाई बाई 3 कर दो, क्योंकि पाई बाई 3 रखोगे कोस पाई साइन पाई आएगा, साइन पाई क्या करेगा जीरो करेगा, ठीक है, साइन पाई क्या करेगा जीरो करेगा। आवर्ती में मैंने बताया जब भी 3x 4x हो इस 3 को 4 को क्या करो बट्टे में ले जाओ। इसलिए आप जहां भी, तभी तो मैं कहता हूं कि आप पहले से वीडियो देखो, एक नंबर से वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट करूंगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि पाई कैसे रहेगा 3 पाई कैसे रहेगा। चलो देखते हैं अभी f डबल डैश x निकालो, आपको पता है ये -9 cos 3x रहने वाला है, इसकी वैल्यू जीरो पे क्या रहने वाली है माइनस में, आपको निम्निष्ट चाहिए मतलब प्लस चाहिए, इसका मतलब पाई बाई 3 रखो, cos पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 होती है cos पाई की, -1 प्लस कर देगी इसको, इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा पाई बाई 3 पे। ठीक है, तो ये पाई बाई 3 पे क्या हो जाएगा, देखो ऐसे क्वेश्चनों को आपको डायरेक्ट करना है, इसीलिए शॉर्ट इस वीडियो को पढ़ाने का मतलब ही यही है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ऐसे पूछने लग गए, ये इस क्वेश्चन का पूछने का उद्देश्य क्या है, आपको कह देगा 2 की पावर x उच्चिष्ट है निम्निष्ट है, बिल्कुल भी नहीं है, कौन है उच्चिष्ट है निम्निष्ट है कभी नहीं देगा, लेकिन जब दो ऐसे जोड़ दिए ना तब प्रॉब्लम आएगी, तब इसलिए ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, और ये क्वेश्चन कुलश्रेष्ठ सीई में आया हुआ भी है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे डायरेक्ट रखना है, 3x पाई x इजल टू मैंने पाई बाई 3, ये वीडियो आप पहले जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि 2 की पावर x कभी भी हासमान चरम बिंदु नहीं देता, चरम बिंदु एक्सट्रीम पॉइंट को क्या होता है जो जहां उच्चिष्ट निम्निष्ट, और जैसे साइन का पाई बाई 2 -π/2 3π/2 5π/2 7π/2 ये तो एक्सट्रीम पॉइंट नहीं देता है, तो इसका देखो भाई, ठीक है ये कैलकुलेशन आप कर लेना, इसमें 0 और 2 के मध्य ही आपको रहना पड़ेगा। देखो आपको मैं पहले ये कर लेते हैं फिर ये बता देता हूं, 2 की पावर x - 1 ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, देखो 1/x - 1 इसको तो ऐसे लिखो ना -x - 1, ठीक है f डैश x निकालो डायरेक्ट, ठीक है f डैश x क्या हो जाएगा 2 की पावर x - 1 log 2 माइनस, ये माइनस है भाई, 2 की पावर -x - 1 log 2 इजगल टू 0 कर दो, ये गया। ठीक है, अब देखो ये किस पे हो रहा है, x इजगल टू 1, यहां कोई मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है, यहां पे ऐसे दिमाग लगाना है कि किस वैल्यू पे ये 0 हो रहे हैं दोनों, ये देखो इसका पावर 1 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 तो किसी की भी पावर 0 1 कर देगा, ये पूरा 0 हो जाए तो क्या कर देगा इसको भी 1 कर देगा, और 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब यहां भी क्या रख दो x की जगह 1 रख दो, इसका मतलब x की जगह क्या आ गया 1, आपको आगे कुछ नहीं निकालना है, न्यूनतम अधिकतम कुछ नहीं, यहां 1 पुट कर दो, आप यहां 1 पुट करोगे तो 2 की पावर 0 और 1/2 की पावर भी 0, 1 + 1 = 2, ऐसे आपको थोड़ा डायरेक्ट ही चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वैसे आप कर सकते हो, मेरे के बताने का उद्देश्य यही है कि इसमें ये डोमेन दे दी, ठीक है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि आप उच्चिष्ट निम्निष्ट बाहर आ रहा हो ना तो बाहर का नहीं लेना है, इसके अंदर का ही वैल्यू लेनी है, इसके अंदर की वैल्यू लेनी है अपने को। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपना डोमेन तो दे दी 0 से 2, अपना एफ एक्स क्या है 1 - x है, ठीक है एफ डैश एक्स निकालो 1 - x² फिर ये निकालो x 1 - x = 0, 1 - x कॉमन ले लो 1 - x - x = 0, x = 1 तो 1 हो गया और 1/2 हो गया, ठीक है दोनों ही अंदर की हैं, चेक करो आगे आगे f डबल डैश x निकालो तो
एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस का टू एक्स, और फिर माइनस का टू वन माइनस का एक्स। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट करना आप पे, जो भी आए आप मैच करना इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने आप करना, वन और ई के बीच में ही लेना है इसी तरीके से। देखो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन को फिर क्या है कि आजकल प्रायोरिटी दी जाने लगी। तो y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स है, y डैश निकालो ई की पावर माइनस एक्स, माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, वन माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट नहीं ये देखो फिर ये उच्च वैल्यू एक ही आई है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रखो आप, एक्स की वैल्यू वन, वन किस किस में, ये काटो और ये काटो। ठीक है, तो वन की वैल्यू यहां रखो, इसमें वन ई की पावर माइनस वन, तो वन अपॉन ई, आंसर वन और वन अपॉन ई जहां भी मैच कर रहा है उसको टिक लगा दो आप। नेक्स्ट देखो, जो पीछे छोड़ गया था एक्स वन माइनस एक्स उसी तरीके का है, और इसको चलो मैं बता देता हूं क्योंकि दोनों को ऐसे छोड़ के जाएंगे ठीक नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्या होगा, डायरेक्ट ही कैलकुलेशन दिमाग में आ जाएंगी कि इसकी कैलकुलेशन ये होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन लगभग होने वाली है, कैलकुलेशन सबसे बड़ी चीज रहेंगी इसमें। तो देखो ये एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालो, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस का टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स माइ एफ एक्स क्या हो जाएगा, इसको जीरो करना है, तो एक्स माइनस थ्री तो कॉमन आ गया, क्या बचा एक्स माइनस थ्री, बच गया टू एक्स माइनस फोर, इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या बच गया आपका, एक्स माइनस थ्री और थ्री एक्स माइनस का सेवन बच गया। ठीक है, सेवन बच गया, तो अब देखो एक तो एक्स की वैल्यू थ्री है, एक सेवन बाई थ्री है। अब देखो ऑप्शन से आगे एफ डबल डैश निकालना, और डबल डैश निकालोगे तो आपका वैल्यू मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। ऑप्शन में देखो नीचे 27 दे रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है क्योंकि ऊपर p बाई क्यू में तो यही है और आंसर p बाई क्यू में आ रहा है। इसको रखेंगे तो आंसर डायरेक्ट एक एग्जैक्ट पूर्णांक आएगा, इंटीजर आएगा, इंटीजर है नहीं, इसका मतलब वैल्यू ये पुट कर दो आप डायरेक्ट ही। ऐसा थोड़ा सोचना पड़ेगा एग्जाम टाइम में भी, ऐसा आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करें, सोल्व करने की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, कैसे सोल्व करें, कितना फास्ट करें, वही आपकी वैल्यू है। सेवन बाई थ्री यहां पे पुट करो आप, तो ये तो कितना हो जाएगा, सेवन बाई थ्री माइनस टू, और ये सेवन बाई थ्री माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, फोर बाई थ्री इंटू, नहीं ये वन बाई थ्री, क्योंकि थ्री तीन दूनी छह, सेवन माइनस सिक्स, वन बचेगा वन बाई थ्री और टू बाई थ्री का होल स्क्वायर, फोर अपॉन ट्वेंटी सेवन, इस तरीके से डायरेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पी साइन स्क्वायर देखो, इसको करने का एक तरीका और भी हो सकता है, एक तो वो आपका तरीका है ही। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो है अपना ये, वो लेमडा वाला तरीका भी लगा सकते हैं इसमें। देखो लगाओ पी इजल टू वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस फोर थीटा। ठीक है,
कोस फोर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन है, इसको मैं नहीं लिख सकता हूं क्या? देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक बटा दो का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर। अब चेक करो इसको कि ये मैं लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, ठीक है ये लिख सकता हूं मैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी उस तरीके से आप कर सकते हो, थीटा की वैल्यू निकाले, क्यों निकाले? लेमडा वाला मैंने बताया हुआ है कि लेमडा प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो तो मिनिमम वैल्यू लेमडा होगी, तो ये तो प्लस में है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? थ्री बाई फोर, लेकिन थ्री बाई फोर दो में है। लेकिन इसको पूरा आगे करते कैसे हैं और देखो, कोस स्क्वायर की आपको वैल्यू क्या देगा भाई? कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों की बात कर रहा हूं मैं, जीरो से लेके वन के बीच में रहेंगे। इसके पीछे कारण है कि कोस की परिसर और साइन की परिसर क्या होती है? माइनस वन से वन होती है। स्क्वायर कर दिया, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ठीक है। कोस और साइन का आप ग्राफ भी आपको पता है कि ऊपर ऊपर रहता, नीचे ग्राफ नहीं आता, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो से वन के बीच में हो सकती है। ये अपनी ताकत लगाएगा, ठीक है। माइनस तो ये दे नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है, ये ताकत लगा के जीरो कर सकता है। माइनस करेगा, स्क्वायर कहेगा रुक इधर आ, तुझे प्लस करता हूं, तो प्लस कर देगा, प्लस करते ही जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये जीरो कर सकता है, जीरो करते ही ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये चीज समझ में आई या नहीं आई ये बताना आप भाई। देखो कोस स्क्वायर की वैल्यू जीरो और वन के बीच में होती है, ठीक है। ये वैल्यू जीरो कर सकता है मिनिमम, इससे मिनिमम नहीं कर सकता क्योंकि ये क्या करेगा, और ये भी जीरो वन बाई टू देगा तब होगा। कोस की वैल्यू जीरो रखोगे माइनस वन बाई टू आ जाएगी, स्क्वायर प्लस वन बाई टू कर देगा, वन बाई फोर कर देगा, ठीक है। इसलिए ये तो नहीं हो सकता, ये पूरा वैल्यू जीरो हो सकती है, मिनिमम तभी आएगी, तो थ्री बाई फोर तो मिनिमम आ गई, तो ये तो दोनों आप कैंसिल कर दो, ठीक है। फिर देखते हैं पॉजिटिव क्या होगी, ये अधिकतम कितनी दे सकता है, ये वैल्यू अधिकतम कितनी दे सकता है बताओ? ये वैल्यू अधिकतम कोस स्क्वायर अधिकतम दे सकता है एक, एक में से आपको आधा घटाना पड़ेगा, बचेगा वन बाई फोर, थ्री बाई फोर में जोड़ोगे तो अधिकतम होगा वन। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आंसर नंबर ये हो जाए। ये क्वेश्चन का आजकल ऐसे क्वेश्चनों का ट्रेंड बन गया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इजी, देखने में हार्ड, छोड़ने में इजी, करने में इजी। यदि पेपर दिखेगा तो उसमें छोड़ने में ही इजी है क्योंकि इसका ऑप्शन देख के ऐसे डर सा लग रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपको छोड़ के कुछ भी नहीं आना है। लगभग 130 क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश हमें, इसीलिए ये वीडियो चल रहा है, लगभग 130 क्वेश्चन अटेंड करेंगे, ठीक है। बाकी आपका सिलेक्शन, यदि आप 75 क्वेश्चन राइट कर दोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना। देखो नेक्स्ट में भी एक, अब मेरे तो वही तरीका वापस दिमाग में आया, दो तरीके से बताऊंगा, चलो वही दो तरीके। एक तो अपना ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री है, एक तो मैं डायरेक्टली तरीका लगाऊंगा इसको, थ्री बाई टू का होल स्क्वायर करूंगा अभी मैं, और इसको मैं बता दिया थ्री बाई टू का होल स्क्वायर करेंगे तो इसमें से क्या घटाएं, थ्री बाई नाइन माइनस करो थ्री बाई नहीं नाइन बाई फोर माइनस करो थ्री में से, तो थ्री बाई फोर बचेगा, थ्री बाई फोर। ये आपको बता दिया अधिकतम मिनिमम कितना हो सकता है, न्यूनतम, न्यूनतम जीरो हो सकता है, माइनस में जाएगा स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा, प्लस वाले की तो टेंशन ही नहीं है। इसका मतलब ये न्यूनतम जीरो हो सकता है, थ्री बाई फोर आंसर। एक तो तरीका ये, ठीक है। दूसरा तरीका वो अपना, देखो मैं मानता हूं यही तरीके आपको अपनाने चाहिए, ठीक है, लेकिन यदि आपके पास विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है, तो आप इन्हीं तरीकों को यूज कर लेना। फिर लास्ट में एफ डैश एक्स निकालना, टू एक्स माइनस थ्री इजल टू जीरो करना, और एक्स की वैल्यू थ्री बाई टू करना। फिर एक्स की वैल्यू थ्री बाई टू, थ्री बाई टू ही तो है, हाँ थ्री बाई टू पुट करना। फिर एक्स की वैल्यू यहाँ नाइन बाई फोर, यहाँ नाइन बाई टू प्लस थ्री,
ये 4 हो गया, ये 9 माइनस 18 हो गया, प्लस 12 हो गया, 3/4 आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से एक्सों से निकालना है तो ये अपने आप निकालना, आंसर ये हो जाएगा आपका। अब देखो एक तरीका मैंने कल बताया था, आज थ्योरी में रिपीट करना मैं वापिस भूल गया, लेकिन ऐसा तरीका, ऐसे क्वेश्चन होना, ये नंबर दोनों, ऐसे क्वेश्चनों में आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट टिक मारोगे, भले ही अधिकतम पूछ ले से न्यूनतम पूछ ले। ठीक है, अब चेक करो वो क्या है अपना तरीका, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, इसकी वैल्यू कितने से किस किस के बीच में होती है, माइनस रूट ए स्क्वायर से बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच में होती है। ठीक है, ये थ्योरी में मैंने कल बताया था, लेकिन आज रिवीजन में मैं थोड़ा याद नहीं रहा इसलिए भूल गया, तो ये देख लो आप, ये वैल्यू होती है साइन, यदि आपको प्रूफ करना है तो एफ एक्स निकालना, फिर एफ डैश एक्स निकालना, फिर डबल डैश एक्स निकालना, एफ डैश एक्स जीरो से करोगे तो एक्स की कुछ एक वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी एक्स की वो आप रखोगे तो आपके न्यूनतम ये वैल्यू दोनों आने वाली है, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इन दोनों का अंतर, अब देखो अपने को निकालना है न्यूनतम और ये अधिकतम या मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू और न्यूनतम मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, इसको देखना, इसको करोगे तो रूट सेवन स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, अपने को पता है कि 25 का होता है। अब यदि मिनिमम निकालना है तो माइनस लगा दो, और मिनिमम नहीं मैक्सिमम निकालना है तो 25 लगा दो, तो मिनिमम तो आपका ये हो गया और मैक्सिमम ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, पेन की आवश्यकता नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये भी याद रखना, कई बार ये भी पूछ लेते हैं। इसमें भी देखो रूट थ्री का तो थ्री हो जाएगा, थ्री प्लस वन टू हो जाएगा आंसर इसका। देखो ये तो क्वेश्चन ऐसे कर ली हमने, ऐसे क्वेश्चन तो हमने कर भी लिए खूब, फिर भी आप यदि याद नहीं रहा तो थोड़ा मैं बता देता हूं, ये एफ एक्स इजल टू टू एक्स की क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस का फोर। ठीक है, एफ डैश एक्स इजल टू सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस का ट्वेल्व, क्या कॉमन आ रहा है अभी, इसमें कॉमन आ रहा है थ्री, नहीं ये क्या होगा सिक्स, और ये भी सिक्स होगा, सिक्स ही कॉमन आ रहा है, इसको जीरो कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इजगल टू जीरो, सिक्स एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन इजगल टू जीरो। ठीक है, अब आप देखना इस पे एक के न्यूनतम एक के गुणस्तम आ जाएंगे, दो अशून्य संख्याओं का योग चार है, ठीक है, उनके व्युत्क्रमों का योग न्यूनतम है, लो भाई एक्स और चार माइनस एक्स, अगर योग चाहिए आपको वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन फोर माइनस एक्स, ले लो लघुत्तम, फोर माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स गया, फोर अपॉन फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज है। अब देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको पूरा ये क्वेश्चन, लेकिन एक चीज थ्योरी आपको याद रखनी पड़ेगी, पहले तो देख लो हमने कैसे किया, दोनों का योग चार है हमने लिया, दोनों का योग फोर ले लिया, ठीक है, व्युत्क्रमों का योग ले लिया हमने, सम इनवर्स का सम क्या है, वन बाई एक्स प्लस वन अपॉन फोर माइनस एक्स ले लिया, एलसीएम ले लिया, ये अपनी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अपने पास क्या है भाई, एक मैंने बताया था कि यदि एफ एक्स उच्चिष्ट है तो वन अपॉन एफ एक्स क्या होगा, निम्निष्ट, एफ एक्स निम्निष्ट है
तो 1/f(x) होगा उच्छिष्ट, ठीक है। यदि इसका उल्टा होगा, उच्छिष्ट है तो निम्निष्ट होगा, निम्निष्ट है तो उच्छिष्ट होगा। अब भाई अपने पास इसको मानो आप जेड, ठीक है, इसको 1/z करो, 4x-x2, और इसको मान लो अब fx, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा भी अवकलन कर सकते हो, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे, फिर बड़े क्वेश्चन भी आने वाले हैं ऐसे, तो मैं इसी क्वेश्चन में उन वो तरीका भी मैं बता देता हूँ यहाँ। अब देखो ये यदि अपने को क्या चाहिए, न्यूनतम है, ये न्यूनतम है भाई, न्यूनतम क्या है, जेड है, ये चीज क्या है, न्यूनतम है, इसका मतलब ये अपने को अधिकतम निकालनी है, क्योंकि 1/z न्यूनतम है तो ये अधिकतम होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखो देखो एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में। मैथ पढ़ने का मतलब है पीछे का सारा रिवाइज करते हुए आगे चलोगे तो पूरा एकदम बढ़िया आएगा। रिवीजन हम ले रहे हैं, एक ग्राफ वगैरह है वो आप रट लेना, पी लेना, कुछ भी कर लेना, वो याद रहने चाहिए एनी टाइम, नींद में भी याद रहने चाहिए, ठीक है। f(x) निकालो, 4-2x = 0, तो x = 2, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 2 आ गई। 2 पे क्या हो रहा है ये देखते हैं हम, डबल निकालो, माइनस आ रहा है -2, इसका मतलब है तो ये उच्छिष्ट, अपने को तो भाई उच्छिष्ट ही निकालना था, क्योंकि प्रश्न में क्या चाहिए, निम्निष्ट, अपन 1/f(x) निकाल रहे हैं, इसका मतलब उल्टा निकाल रहे हैं। उच्छिष्ट निकाल लिया, वैल्यू x की 2 आ गई, वो यूज करेंगे, वापिस नहीं करेंगे कुछ भी। अब वैल्यू यहाँ पे 2 करो और यहाँ 4-2 करो, आंसर 2 और 2 आपका हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं मानता हूं सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ग्राफ है ना, एकदम रट लेना, ग्राफ के द्वारा ही ज्यादातर जब भी कहीं पे अटकते हैं या कुछ प्रॉब्लम आती है ना, कभी भी कोई भी अपवाद है, कोई भी कुछ भी है, तो वो सॉल्यूशन उसका ग्राफ है। देखो ये सिद्धांत है, सिद्धांत जो भी प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं, एक बड़ी बड़ी मैटर को कवर करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ये 100% को कवर करें। लेकिन यदि किसी की शक्ल सूरत है वो तो उसको 100% ही कवर करेगा। जैसे साइन है, साइन का उसकी शक्ल क्या है, वो ग्राफ वो है, तो वो तो उसको 100% कवर करेगा। हो सकता है कोई प्रिंसिपल में मिस्टेक हो जाए, लेकिन कभी भी उसके ग्राफ में मिस्टेक नहीं होगी। देखना नेक्स्ट, y = 1 + sin x और cos x। देखो ऐसे क्वेश्चन खूब कर लिए हमने, y' निकालो, cos²x माइनस का 1 + sin x और cos x का भी sin x हो जाएगा। और फिर इसको करना, x क्या आ रहा है, x को निकालना, और जो भी वैल्यू आ रही है तो आप देखना वो, ठीक है। इसी प्रकार ये देखो ऐसे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन था f(" निकालना और x की वैल्यू निकालना, ये तो उसी तरीके से करेंगे, उच्छिष्ट का मान होगा। या फिर इसको एक तरीका और भी अपना सकते हो आप, y को क्या लिख सकते हो, cos x 1/2 sin 2x, लेकिन वो आगे जाके कॉमन लेना पड़ेगा, बात वही है, घूम फिर के यही आएगी, y - sin x हो जाएगा और ये cos 2x हो जाएगा, ठीक है। अब जीरो इसको करोगे, ऐसी वैल्यू बताओ कि साइन एक्स का और कोस टू एक्स का लगभग, एक्स की वैल्यू आप पुट करना, पाई बाई एक्स की वैल्यू आपकी लगभग आएगी तो पाई बाई थ्री आएगी यहां पे, ठीक है, चेक करना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो मेन बात है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना, देखो एक तो होता है fx से निकालना, fx से हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि कम से कम मैं fx से हमने कल खूब क्वेश्चन किए हैं, यदि आपको fx वाला अच्छा लगे तो कल वाला वीडियो देख लेना, आज तो कुछ अलग करने वाले हैं, अलग करेंगे
तो अलग ही तरीका है फिर। ठीक है, अब देखो एफ एक्स इजल टू टू साइन स्क्वायर है थीटा प्लस का थ्री कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एफ डैश एक्स नहीं निकालेंगे क्योंकि अपने न्यूनतम अधिकतम चाहिए। अपन तो ऐसे कोई जुगाड़, देखो यार इसको लिख सकता हूं, एक फुल करूंगा बाकी आगे पूरा डायरेक्ट करूंगा, एक क्वेश्चन आगे और फिट किया है। टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो भैया टू हो जाएगा। देखो टू कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये दिमाग में ही रखना है आपको, शो नहीं करना है, किसी को दिखाना नहीं है। इसकी वैल्यू जीरो से लेके वन के बीच में होगी। आपको मैंने पहले बता चुका हूं मैं कि स्क्वायर है तो जीरो से लेके वन के बीच में ही होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको न्यूनतम चाहिए क्या? न्यूनतम चाहिए तो ये जीरो करोगे, यहां तो न्यूनतम होगा तो वैल्यू टू आ जाएगी। अब आपको कह दे अधिकतम चाहिए हमें, तो क्या करोगे? वन करोगे और अधिकतम थ्री आ जाएगी, न्यूनतम टू आ जाएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? टू और थ्री के बीच में। ऐसा ऑप्शन भी दे सकते हैं, न्यूनतम अधिकतम की डोमेन क्या होगी, इसकी इसकी डोमेन क्या होगी। ये देखो क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग बनाए कि टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कोस स्क्वायर थीटा, इसकी डोमेन क्या होगी। अब प्रांत में तो हमने कभी बताया ही नहीं इसको। ठीक है, प्रांत में, डोमेन में, डोमेन वाले चैप्टर में तो ऐसा कभी हमने किया नहीं और करते भी नहीं है। लेकिन घुमाने वाला यहां से ऐसे घुमाएगा कि आपकी छोटी से लेके बड़ी से, नहीं इसकी को डोमेन क्या होगी, परिसर क्या होगी, परिसर की रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। तो रेंज क्या हो जाएगी? टू से लेके थ्री के बीच में होगी। तो देखो क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग बना है। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन बनने वाले हैं, और बनाने वाला देखो जैसे मेरे को पेपर दे देना तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन बनाऊं लगभग इंटरेस्टिंग, और जिसमें पूरा दिमाग का एकदम पूरा चैप्टर जैसे सेट से लेके और आपके ये मैक्सिमम मिनिमम तक पूरा कवर हो जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जैसे मोड एक्स है, एक्स क्यूब है, यही तो है क्रीम मैथ की, और क्या है। बाकी तो एफ एक्स एफ डैश एक्स सब निकालते हैं, किसको नहीं आता, जो जल्दी निकालेगा उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन यदि एग्जामिनर यदि अच्छा क्वेश्चन पूछने की हिम्मत रखता हो तो ऐसा पूछेगा, लेकिन उसकी मेरिट आपकी 10% रहेगी फिर, क्योंकि सभी क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे तो फिर मेरिट तो 10% ही रहनी है, वैसे ही 40% के आसपास ही रहती है। देखो अधिकतम मान पूछ रहा है, न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो आपको वैल्यू निकालनी है जितनी एक्स की दो वैल्यू आएंगी, और फिर इनमें से भी चेक करना है जिस पे अधिकतम वैल्यू आए वो आप अधिकतम हो जाएगा, न्यूनतम आए न्यूनतम हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो ऐसे क्वेश्चन है ना हमने खूब कर लिए, एफ निकालो, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डबल डैश एक्स निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो, खूब क्वेश्चन किए, कुछ अलग करने वाले आज। तो ये क्वेश्चन थोड़ा देखो, y इजल टू एक्स वन अपॉन एक्स। ठीक है, आपको अवकलन इसका डायरेक्ट बताया हुआ है, क्या होने वाला अवकलन देखो, डायरेक्ट डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं। ट्रिक क्या बताइए, लोग लगा दो यहां, इसको पीछे ले, ये तो होता ही है। तो अब अवकलन स्टार्ट कर दो अपने, अवकलन इसका करेंगे सबसे पहले माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वन अपॉन एक्स का करेंगे, वन अपॉन एक्स का एक्स स्क्वायर, देखो डायरेक्ट करना है, वो लॉग वाई लेके फिर डीवाई बाई डी एक्स है, वो करने वाला जमाना गया अब, क्योंकि वो हमने अवकलन में किया है और उसमें मैंने डायरेक्ट ट्रिक की बता भी दी है कि आप यहां डायरेक्ट लॉग लिखोगे और फिर दिमाग में ये कैलकुलेशन करके और आप इसको फिट कर दोगे। ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये डायरेक्ट वाला, तो आप अवकलन के वीडियो एक नहीं है चार है। ठीक है, वो चारों वीडियो जाके देखोगा तभी आपको समझ में आएगा, उसके आरपीएससी के क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, और इसमें भी क्वेश्चन इंक्लूड है। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, इसका कोई मतलब है नहीं, डायरेक्ट हम लेंगे वन प्लस एक्स, क्योंकि माइनस भी कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेगा यहां प्लस हो जाएगा, यहां प्लस वन बचेगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लो इजगल टू जीरो। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पीछे वीडियो जरूर देखना, मुझे पता है आपको नहीं आ सकता, क्योंकि जो एक नंबर से वीडियो नहीं देख रहा है उसको नहीं आ सकता। एक्स की वैल्यू डायरेक्ट बाकी एक सेकंड में एक्स की वैल्यू निकाल दोगे, एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दो,
तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ई है या वन अपॉन ई है? तो एक्स की वैल्यू देखना, देखो वन अपॉन एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया, हाँ यहां पे क्या होगा भाई, प्लस होगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ई आ जाएगी, क्योंकि वन अपॉन एक्स स्क्वायर का तो यहां पे कर दिया, यहां पे तो लॉग एक्स का ही तो किया हमने डायरेक्ट, ठीक है। तो ई देखो भाई, ई रखो, ई और वन अपॉन ई, देखो इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ए ए और बी की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करेंगे अब प्यार से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एफ एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है, ए कोस एक्स बी टेन एक्स प्लस का एक्स, ठीक है। अपने को दिया एक्स इजगल टू जीरो और एक्स इजगल टू पाई बाई सिक्स, अरे ये तो काम बहुत बढ़िया हो गया ना, एक्स इजगल टू पाई बाई सिक्स और जीरो, अच्छा इसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट नहीं दिया ना, वैल्यू नहीं दी, नहीं तो हम डायरेक्ट जीरो रख के कर जाते, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाएगा। एफ डैश एक्स निकालो, माइनस ए साइन एक्स बी सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल जीरो, ये जीरो पकड़ो, ये देखो सेक जीरो का ग्राफ कब आता है, कोस का उल्टा टच होता है वन पे, कोस सेक जीरो वन होता है, तो बी प्लस वन इजगल टू जीरो, बी इजगल टू माइनस वन, जहां कहीं भी दिख रहा है माइनस वन, ये उड़ाओ और ये उड़ाओ, ठीक है। अब देखो आगे क्या रखना है, पाई बाई सिक्स, भाई पाई बाई सिक्स रखना है अपने को, तो पाई बाई सिक्स लो, पाई बाई सिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, कोस पाई बाई सिक्स का उल्टा होता है, कोस पाई बाई सिक्स की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू ऊपर फोर बाई थ्री प्लस वन इजगल टू जीरो, ए बी की वैल्यू माइनस वन, तो बी हटा के माइनस वन ही कर देता हूं मैं यहां, तो नीचे क्या आ जाएगा देखना, ये सही है, तो नीचे तो सिक्स आ गया, ए नहीं थ्री ए एट प्लस का सिक्स इजगल टू जीरो, इसका मतलब ये टू होगा, ए की वैल्यू टू बाई थ्री, देखना भाई एक नंबर आंसर, बाकी कैलकुलेशन में हो सकता है उन्नीस बीस हो तो कर लेना। अब देखो इंपॉर्टेंट और गलती करने वाले क्वेश्चन, जिन्होंने एफ एक्स एफ डैश एक्स की आदत पड़ गई ना वो इसमें गलती करेंगे। एक बिंदु रेखा के अनुदिश गतिमान है, देखो पॉइंट है रेखा के अकॉर्डिंग टू लाइन के, टी समय में उसकी डिस्टेंस एस हो जाती है, ठीक है, एस की वैल्यू दे दी अपने को टू टी की क्यूब फोर टी स्क्वायर माइनस सेवन। आगे क्या है, इसका त्वरण न्यूनतम है भाई, अपने को एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स नहीं दिया है, एफ एक्स एक्सलरेशन है इसका, एक्सलरेशन निकालो पहले, डायरेक्ट मत कर देना, मैं डायरेक्ट एक्सलरेशन निकाल रहा हूं अभी, देखो या तो पहले आप एक्स के सापेक्ष करो वेलोसिटी आएगी वेग आएगा, मैं डायरेक्ट फिर वेलोसिटी का क्या करो फिर टी के सापेक्ष करो एक्सलरेशन आएगा, मैं डायरेक्ट ही त्वरण निकाल रहा हूं, देखो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए, ये तो हो जाएगा फोर नीचे आएगा थ्री टी स्क्वायर, ठीक है, इसको देखो थ्री नीचे आएगा सिक्स, फिर टू नीचे आएगा ट्वेल्व टी और ये एट, ये देखो ये वैल्यू है अपनी, ठीक है ना। अब अपना एफ एक्स ये है, नहीं कि एफ एक्स ये, इसको आप ध्यान करना, त्वरण चाहिए आपको, एक्सलरेशन न्यूनतम चाहिए, इसका मतलब एफ डैश एक्स निकालो, सिक्स टी माइनस ट्वेल्व इजगल टू जीरो, टी इजगल टू टू, किस पे हो रहा है, टी इजगल टू टू पे हो रहा है। अब देखो इंपॉर्टेंट भी है वैसे इजी भी है, एक क्षेत्रफल आयतों का न्यूनतम परिमिति वाले आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, आपको बताया हुआ है। आयत की बात करें तो वर्ग पे दिमाग लगाना, त्रिभुज की बात करें तो संभव त्रिभुज लगाना, कोण की बात करें तो पाई बाई थ्री लगाना, ये लो ये भाई न्यूनतम और अधिकतम तभी होगा जब ये क्या होगा
वर्ग होगा और वर्ग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात एक होता है, और यह भी पूछ सकता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, यह भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। एक लंबाई चौड़ाई और एरिया क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, यह भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन तो हम बहुत खूब कर लिए हैं। देखो 20 का तो दो भाग है, एक एक्स है और एक 20-x है, ठीक है। फिर अगला कह रहा है एक को घन है और दूसरे का वर्ग है, तो एक्स की क्यूब का घन कर लो और फिर इसका स्क्वायर कर लो, ये आपकी एफ एक्स आ गई, ये आप निकाल लेना। चलो मैं निकाल देता हूं, ये तो जो वीडियो रेगुलर देख रहे हैं देखो उनको थोड़ा सा मैं इजी चलता हूं, वो तो आसान लगता है, लेंथ ही चलता हूं, वो थोड़ा और होते होंगे, लेकिन नए जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी तो थोड़ा सोचना पड़ता है, तो मैं ये निकाल देता हूँ। बाकी तो आपको पता ही है कौन सा तरीका लगाएंगे, इसमें एक तरीका और बताऊंगा आपको, ठीक है, वो देखना आप, वो मजा आएगा, ऑप्शन से करेंगे फिर, एक तरीका और जो ऑप्शन से करने वाले हैं। तो ये तो क्या हो गया एफ एक्स, एफ डैश एक्स निकालो, 3x² 20-x, ठीक है। माइनस देखो ये एक्स का मैं लेके आया हूं उधर, माइनस एक्स की क्यूब 20-x इज इक्वल जीरो, 20-x एक एक्स स्क्वायर को मैं ले लो, तो देखो अपने हाँ यहां स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x का किया 3x², ये ऐसा का ऐसा ही लिखा है, तो 20-x माइनस का 2x, ये बात किस किस की समझ में नहीं आई, इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये तो देखो जीरो करेगा एक्स इजगल टू 20, नहीं भाई ये नहीं हो सकता, यदि ये कर दिया 20 तो ये जीरो होगा, इन दोनों का यदि गुणनफल क्या होगा भाई, फिर तो जीरो होगा, जीरो होगा गुणनफल है, यदि एक्स की वैल्यू 20 कर दी तो यहां जीरो हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू जीरो होगी, तो इसका नहीं होगा। ये देखो 60-5x इजगल टू जीरो, एक्स इजगल टू 12, तो एक तो 12 हो जाएगी दूसरी 8 हो जाएगी, ये तो आपका आंसर। तीसरी एक ट्रिक और है, ट्रिक देखो आप ऑप्शन चेक करना, इसको तो छोड़ना, चार नंबर को तो देखना नहीं है, ये ऑप्शन देखना, यहां वैल्यू पुट करना, आपको चाहिए अधिकतम, इन तीनों ऑप्शन में जिसकी भी वैल्यू अधिकतम आए वो टिक मार देना, लेकिन ये चेक करना जिसको तरीका नहीं आए या फिर लगे कि नहीं ऑप्शन से ही करेंगे, इतना मतलब वो अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, तो उसको देखो x की वैल्यू जी 15 की क्यूब कर देते हैं, 15 क्यों, पहले ये मानो 5 और 15 मानो ताकि इजी हो जाएगा, तो 15 की क्यूब इंटू 5 की स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि 20-5 ये 15 की स्क्वायर कर देते हैं, ये वैल्यू है एक 12 की स्क्वायर 8 की क्यूब, इनमें जो भी वैल्यू अधिकतम आएंगे वो कर देना, ठीक है। ये तो डायरेक्ट ही है, वाई एक्स पे क्या पॉइंट होगा, जीरो, बी जीरो होगा, इनसे दूरी न्यूनतम क्या होगी, यही तो होगी, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर क्या डालते हैं भाई, लंब डालते हैं, वो तो सबसे न्यूनतम दूरी होती है जो परपेंडिकुलर, जब दो लाइन या फिर कुछ भी लंब डालते हैं वो दूरी क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है, तो वही तो फॉर्मूला है, बी से बी तो कट जाएगा, आप देखो ए बी सी, तो बी से बी माइनस बी तो जीरो हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का तो रूट हो जाएगा आंसर डायरेक्ट, ऐसा हम 3D में करेंगे। देखो ये कर लेना, परिवर्तन की दर ये बताना जरूरी है, देखो एफ एक्स इजगल टू 3x^5 - 5x³ 5x - 7, ये नहीं है अपना एफ एक्स, अपने कह रहा है परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर क्या होता है dy/dx, इसको y मानो आप, अपना एफ एक्स नहीं है ये, इस क्वेश्चन का है, अपना एफ एक्स बाद में आएगा, dy/dx क्या हो जाएगा भाई, 15x^4 - 15x² + 5, देखना हाँ यही है, ये अपना एफ एक्स है। अब एफ डैश एक्स निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा 60x³ - 30x, ठीक है, इजगल टू जीरो। अब देखना भाई एक्स तो कॉमन ले लो और 30 कॉमन ले लो, 2x² - 1 इजगल टू जीरो,
जीरो प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू। अब चेक करना किस पे हो रहा है, एफ डबल डैश एक्स निकालो, ये क्या हो जाएगा, एक 180x माइनस थ्री। अब चेक करना इन दोनों पे ही हो रहा है, देखो जीरो पे तो क्या हो रहा है, उच्छिष्ट हो रहा है, जीरो रखोगे माइनस की वैल्यू आएगी, जीरो पे तो क्या हो रहा है नेगेटिव, इसका मतलब उच्छिष्ट, और ये तो देखो दोनों रखोगे, यहां स्क्वायर है ना, क्यूब का यहां स्क्वायर है, प्लस माइनस दोनों रखोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों में ही निम्निष्ट देगा, ये न्यूनतम दोनों में देगा, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, जीरो पे ये अधिकतम देगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, और देखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अपना वाई इजगल टू एफ एक्स इजगल टू लोग एक्स अपॉन एक्स, एफ डैश एक्स निकालो भाई, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर लोग एक्स का वन, वन माइनस लोग एक्स इजगल टू जीरो, एक्स इजगल टू ई। ठीक है, एक्स इजगल टू क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा वन अपॉन ई। देखना कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक्स स्क्वायर हो गया ये जीरो में, एक्स इजगल टू ई। एक्स इजगल टू लोग एक्स का वन अपॉन एक्स हो गया, एक्स इजगल टू। ठीक है, तो वन अपॉन ई आपका आंसर मैच हो जाएगा। देखो ये आपको डोमेन दे दी, डोमेन क्या दी आपको, आपको डोमेन दी हुई है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो माइनस टू से फोर के बीच में, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फुल, एक क्वेश्चन डोमेन का कर लेते हैं। आपके पास इसकी डोमेन क्या है, माइनस टू से फोर है। ठीक है, एफ एक्स देखो भाई, टू एक्स की क्यूब हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव हो जाएगा, इसका एफ डैश एक्स निकालो, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व कर दो जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इजगल टू जीरो, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इजगल टू जीरो, एक्स इजगल टू टू एक्स इजगल टू माइनस वन। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या चाहिए, आप उच्चिष्ट चाहिए, डबल डैश एक्स निकालो, यहीं से डबल डैश एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ट्वेल्व एक्स माइनस सिक्स, क्या रखोगे आपको क्या चाहिए, नेगेटिव में वैल्यू माइनस वन रख दो भाई, माइनस वन, क्योंकि माइनस का हो जाएगा पूरा, उच्चिष्ट आ जाएगा आपका। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या है अपना, एफ एक्स इजगल टू रूट थ्री साइन एक्स प्लस का थ्री कोस एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालो, रूट थ्री कोस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स इज इक्वल जीरो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, रूट थ्री कॉमन ले लो, क्या बचेगा, कोस एक्स माइनस रूट थ्री साइन एक्स, इसको टेन बनाओ भाई, इसको टेन बनाओ, कैलकुलेशन करके मैं टेन बनाने की कोशिश करता हूँ, आगे साइन गया इधर गया इधर, वन अपॉन थ्री, तो एक्स क्या बन गया, पाई बाई सिक्स, टेन की वैल्यू भी याद रखनी है, एक्स क्या हो गया, पाई बाई सिक्स हो गया, तो पाई बाई सिक्स के आंसर है यहाँ पे। हाँ ये लो, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लो। ठीक है, इसमें कुछ दिमाग लगाएंगे, उससे थोड़ा ज्यादा लगाना है, और ज्यादा क्या लगाना है, देखो अपने पास क्या है, एफ एक्स इजगल टू क्या है, थ्री कोस एक्स फोर साइन एक्स प्लस फाइव है, इसकी वैल्यू न्यूनतम क्या होती है, देखो न्यूनतम तो माइनस पांच होती है, अधिकतम पांच होती है, ये अपने को पता है। ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस फाइव हो गई,
प्लस 5 और जोड़ना पड़ेगा, आंसर 0 होगा। माइनस 5 मत करके आना या 5 मत करके आना। देखो माइनस 5 इसकी वैल्यू मैंने बता दी, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और अधिकतम 5 होगी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको यदि न्यूनतम तो क्या होगी 0 होगी और आपको पूछ ले अधिकतम क्या होगी 10 होगी। ठीक है तो अपने को न्यूनतम चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है देखो भाई क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के, इसी को एफ एक्स मान के मत कर देना क्योंकि कहीं ना कहीं फंस जाओगे। एफ एक्स सोचना है क्या है, इस समीकरण के मूल तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा मूल है इसके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर न्यूनतम होगा। इसका मतलब एफ एक्स है अपना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। एफ एक्स क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अपने को निकालना है एफ एक्स भाई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना है, अल्फा बीटा की वैल्यू के। देखो एक समीकरण ये याद रखना पड़ेगा, आगे करेंगे भी, ग्रेजुएशन में भी करेंगे, 10th के बेस में भी करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, ये आगे ले जाओ तो ये यहां से मैं कट करके माइनस 2 अल्फा बीटा कर देता हूँ। के स्क्वायर 2 अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं निकाली क्या, यहाँ अल्फा बीटा भी क्या हो जाएगा, यहाँ के हो जाएगा इस समीकरण में, ये अल्फा बीटा है। देखो समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल अचर, तो ये 2k हो गया। अब एफ एक्स आया अपना, एफ के मानो इसको एक्स नहीं, एफ डैश के इजल टू 2k माइनस का 2, k की वैल्यू आ गई 1, इसको 0 कर दो। तो क्या चाहिए आपको, न्यूनतम मान चाहिए, न्यूनतम मान k की वैल्यू 1 पुट करो, या 1 माइनस 2 इजल टू माइनस 1 कर दो आंसर। अब देखो वो एफ एक्स है 1 अपॉन एफ एक्स वाला फिर क्वेश्चन आ गया, एफ एक्स हो रहे 1 अपॉन एक्स वाला फिर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है अपना, एफ एक्स इजल टू आपको दिया हुआ है, इसको अपना एफ एक्स नहीं मानेंगे, ये तो क्वेश्चन का है, अपना जेड है ये, ठीक है। एक्स स्क्वायर 1 अपॉन जेड निकालो क्योंकि नीचे है, तो इसमें ये यदि उच्चिष्ट होगा तो 1 अपॉन जेड निम्निष्ट होगा, और ये यदि निम्निष्ट होगा तो 1 अपॉन जेड उच्चिष्ट होगा। हमने ये कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, यदि होगी तो पढ़ना, ये अपना एफ एक्स है, ठीक है। आपको क्या चाहिए अधिकतम, इसका मतलब हम यहाँ न्यूनतम निकालेंगे और फिर वो वैल्यू कर देंगे। और ये क्वेश्चन इसीलिए निकाल रहा हूँ कि इसमें भी डोमेन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देखना, एफ डैश एक्स अपने वाला निकालो, एक्स तो नीचे था ही इसके, 4 माइनस 4 एक्स नहीं, इसको क्या लिख सकते हो, एक तो दो तरीके इसको करने के, 4 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 इजल टू 0, इसका मतलब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएंगी। अपने डोमेन क्या है, माइनस 1 से लेके 1। अब एफ डबल डैश निकालो, ये हो जाएगा 8 अपॉन एक्स की क्यूब। आपको क्या चाहिए अधिकतम, अपना न्यूनतम किस में आएगा, 2 में, तो आप इसमें से कोई वैल्यू देखना न्यूनतम क्या आएगा, ठीक है वही वैल्यू रखनी है, नहीं अधिकतम क्या आएगा वो वैल्यू रखनी है, 2 या माइनस 2 नहीं रखनी है, इसी डोमेन की वैल्यू रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन मैं बना देता हूं, देखो वास्तविक संख्या अपने घन से बड़ी है, ठीक है भाई ये वास्तविक संख्या है, ये उसका घन है, बड़ी है तो माइनस लगा दो, ये एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स क्यूब, एफ डैश एक्स निकालो,
वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इजल टू जीरो, एक्स इजल टू प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री। ठीक है, क्या चाहिए आपको? अधिकतम एफ डबल डैश एक्स निकालो। डबल डैश क्या आ जाएगा? माइनस का सिक्स एक्स। माइनस वाली प्लस वाली लेनी पड़ेगी अपने को, तभी तो नेगेटिव रहेगा। ये लो प्लस वाली, आंसर ये मैच हो गया। और वैसे भी हो रहा था ये तो ऑप्शन से ही, ये तो दोनों आए ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन से ही हो रहा था ये तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं केवल इक्वेशन बनाऊंगा, क्वेश्चन हम ऐसे खूब कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भिन्न संख्या का हर अंश बटा हर होता है। पहले ये तो आपको पता ही होगा, अंश के वर्ग का, चलो अंश को एक्स मान लो, वर्ग का 16, 16 अधिक है, लो वर्ग का 16 मैक्सिमम है। ये तो जेड है भाई, वन अपॉन जेड निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स, ये अपना एफ एक्स आया है। अब अधिकतम चाहिए तो न्यूनतम निकालना, न्यूनतम चाहिए तो अधिकतम, एफ डैश एक्स निकालना। देखो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 16 एक्स, तो ये वन माइनस 16 एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस 4 आएगी आपकी एक्स की वैल्यू। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स निकालो, क्या हो जाएगा? 32 अपॉन x³, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 × 2 = 32। ये तो अवकलन किया है, अवकलन आपको आता ही होगा। क्या चाहिए? अधिकतम चाहिए, तब प्लस वाला लेंगे, क्योंकि अपने वन अपॉन जेड किया है, प्लस वाला लेंगे, प्लस ही रखेंगे तभी अधिकतम आएगा, पॉजिटिव रखेंगे। वन अपॉन एक्स किया हमने, क्योंकि इसका न्यूनतम इसका अधिकतम होता है, क्योंकि एफ एक्स का न्यूनतम वन अपॉन एक्स का अधिकतम होता है, तो इसको पॉजिटिव ही रखेंगे। 4 आ गया, 4 की वैल्यू यहां रखो, वन अपॉन एट इसकी वैल्यू आ गई, ये दे लो, पूरा करके बता दिया मैंने। नेक्स्ट देखो, ये तो कर लेना क्योंकि ऐसे कर लिया, एफ एक्स इजल टू क्या हो जाएगा आपका? 2x³ 15x² प्लस 36, ऐसा क्वेश्चन आ कर लिया हमने सेम। ये मैंने बता दिया इन दोनों मानों का अंतर, या अंतर देखना। देखो ए साइन एक्स बी कोस एक्स किन किन के बीच में होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव में होगा और ये नेगेटिव में होगा। अब आपको अंतर पूछे, अंतर क्या हो जाएगा? 2√, बड़ी में से छोटी घटाते हैं, योग पूछे, योग जोड़ दो दोनों को 0, जो भी ऑप्शन में हो टिक मार दो, ये ऑप्शन में, ये ऑप्शन यहां 0 कर लो, ताकि आप 0 पे टिक मार सको। ठीक है, तो इसका तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये सारे क्वेश्चन ही हमने कर लिए हैं लगभग, इसको कैसे करेंगे? देखो इजगल टू वन है, ए प्लस बी है, अपना निकालो एफ एक्स, बी की जगह ए की वैल्यू निकालो, ए प्लस √1 माइनस ए स्क्वायर, एफ ए कर लो भैया, एफ डैश ए निकालो, वन माइनस का 2a/√1 माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 उड़ा दो, तो इसका मतलब देखो ए की वैल्यू यहां निकालने का इजी तरीका बताऊं, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो 1 = a/√1 माइनस ए स्क्वायर, इसको यहां मल्टीप्लाई करो और डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, = a² इसका मतलब ए की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगी। ठीक है, अब एफ डबल डैश भी निकालो भाई, एफ डबल डैश निकालना और फिर ये वैल्यू पुट करना, कौन से में न्यूनतम हो रही है कौन से में अधिकतम हो रही है करना। ये क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट मैं बताऊंगा, इसमें दोनों एक तरीके से तो आप कर ही सकते हो, एफ एक्स एफ डैश एक्स जो भी है। देखो दूसरा तरीका ऑप्शन से करेंगे, ठीक है, तुक्का मारने की नौबत आए तो भी इसी ऑप्शन से आपको करना है।
पहले तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कौन कौन कर रहा है, देखो एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4, ये तो कर रहा है। एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो -8 हो जाएगा, ये तो नहीं कर रहा, वाई की वैल्यू 1 नहीं आएगी। एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो ±2 आ सकती है, ऑप्शन तो यही टिक होंगे मतलब। अब इनसे न्यूनतम दूरी निकालो, तो ये तो 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, 2 में से ये 3 गया तो √10 हो गया ये तो। ये देखो 1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 2 गया 1 का स्क्वायर, रूट कर दो √2। न्यूनतम चाहिए अधिकतम, न्यूनतम ये ऑप्शन मार दो टिक, ऐसे करना है ऑप्शन से। पहले समीकरण इक्वेशन, क्योंकि पॉइंट है इक्वेशन पर बता रहा है, इक्वेशन पर यदि पॉइंट है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। फिर न्यूनतम दूरी पूछी है तो न्यूनतम दूरी निकालो ना, कहीं एफ एक्स में फंसे हुए हो, डायरेक्ट ऐसे निकालो और टिक करो, ठीक है। एफ एक्स वाला आप निकालना, कैसे निकालोगे मैं देख बता देता हूं थोड़ा। तो देखो लेकिन पहली ट्राई यही करना आप, क्योंकि वहां प्रॉब्लम आएगी, वहां स्क्वायर क्यूब 4 तक जाएगा मामला, देखते हैं इसमें कहां तक जाने वाला है। इसलिए मैं कह रहा था कि कुछ डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा मैं। तो देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अब x की वैल्यू क्या रखेंगे, टी स्क्वायर रख दें, ये 2t हो जाएगा फिर, ठीक है। अब निकालो भाई, टी स्क्वायर माइनस का 2 का होल स्क्वायर, नहीं √t करोगे तो भी प्रॉब्लम ही रहेगी, x इक्वल टू टी करोगे तो प्रॉब्लम ही, वो सेम ही प्रॉब्लम रहेंगी। चलो प्लस ये पी स्क्वायर निकाल रहा हूं मैं ना, 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये अपना एफ एक्स है, एफ टी मान लो, अब करना है इसको, इसको करोगे तो एफ डैश टी करोगे तो देखो भाई 2t स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है, प्लस 2t माइनस 1 इंटू 2, भाई 2 का भी तो 2 होगा, इसका मतलब 4 तो कॉमन आ रहा है, 4 क्या हो गया कॉमन आ गया, टी की क्यूब माइनस 2t और ये प्लस 2t माइनस 1, ये तो बनी बात। देखना 4 कॉमन आ गया, ठीक है ठीक है, इजगल टू 0 ये कट गया, टी इजगल टू 1 आ गया, टी इजगल टू 1 आ गया, तो टी का मतलब ये देखो ये तो 1 आ गया और यहां 2 इंटू 1 1 एंड 2 आ गया, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप अपने आप करना स्थानीय मान निकालना, लेकिन मैं बता देता हूं थोड़ा। देखो माइनस टू मोड होता है तो ये ऐसे खुलेगा, माइनस टू एक्स से इक्वल है या नहीं है, माइनस टू से इक्वल, ठीक है, 0 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स इजगल टू 0 पे 1 हो जाएगा और एक्स इजगल टू देखो 0 से एक्स, ये देखो मैंने बता चुका हूं मैं पूरा, जहां प्रांत परिसर की है वो वीडियो आप जाके देखना, इस तरीके से आपको खोलना है, फिर देखना न्यूनतम मान क्या है, एफ डैश एक्स वाला तो यहां फेल होगा आपका, ठीक है। तो माइनस 2 रखोगे 4 आ रहा है, इधर 2 रखोगे भी 4 आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आने वाली है, 0 के इक्वल आप रख नहीं सकते, तो ये वैल्यू न्यूनतम स्थानीय मान ही होगा, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन, आप वाई की वैल्यू निकालो सी स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है, वैल्यू पुट करो अपने एफ एक्स में, बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स, सी स्क्वायर अपॉन एफ एक्स हो गया, तो ये तो हो गया ए एक्स
प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स। अब करो एफ एक्स, देखो ऐसे कर लेना, अभी थोड़ा बता देता हूं मैं। अब x की वैल्यू फाइंड करो, x इधर से मल्टीप्लाई होगा जीरो करो आगे, और फिर a इसके बट्टे में आएगा। x इजल टू सी प्लस माइनस का रूट बी अपॉन ए, एक्स की वैल्यू ये आएगी। एफ डबल डैश निकालो, ये प्लस हो जाएगा टू बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स की क्यूब। आपको क्या चाहिए, निम्निष्ट माइनस वाला रखो, नहीं निम्निष्ट चाहिए प्लस वाला रखो। एक्स की वैल्यू माइनस करना है, इसको नेगेटिव करना है तो नहीं, इसको निम्निष्ट चाहिए तो पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव करना है तो प्लस वाला रखो। प्लस वाला रखोगे एक्स की वैल्यू बी अपॉन ए, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो आप, इसमें पुट कर दो। तो पुट करो इसकी ये वैल्यू, यहां पुट करो a इंटू सी रूट बी अपॉन ए प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन वन अपॉन एक्स है, इसको मैं उल्टूंगा, c नीचे आएगा a अपॉन बी हो जाएगा, c से c कटेगा, देखो रूट वाला ये कटेगा, ये वैल्यू आ गई c रूट ए बी, जहां कहीं भी दिख रहा है ये मार दो। कैलकुलेशन देखना और ये अपने आप करना, ये देखो b की वैल्यू है, b की वैल्यू आप निकालना, कोई न्यूनतम आएगी वो b की वैल्यू ग्रहण करेगा। ये देखो क्या है, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी एक्स इजल टू वन है, ठीक। अच्छा b की वैल्यू क्या आएगी, चलो ये मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं आएगी, आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू बी एक्स प्लस वन सेम, ठीक है। एफ डैश एक्स निकालो, क्या हो जाएगा टू वन प्लस बी स्क्वायर एक्स टू बी, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड करो आप, टू से टू तो उड़ाओ, माइनस बी वन प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। नेक्स्ट ये वैल्यू यहां पुट कर दो आप, ये वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो आप, तो वन प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर का, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, टू बी वन प्लस बी स्क्वायर प्लस वन। अब देखो एक तो कट रहा है, ये पूरा कट गया, क्या बचा एफ एक्स की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर प्लस का वन। देखो आगे बी स्क्वायर लघुतम लो, वन प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का टू बी स्क्वायर प्लस का वन प्लस का बी स्क्वायर, ये लो पूरा वन अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू कहां से किस किस के बीच में होती है भाई, इसकी अधिकतम वैल्यू बी की वैल्यू यदि जीरो हो तो अधिकतम क्या हो सकती है, वन हो सकती है, ठीक है, अधिकतम वन हो सकती है। न्यूनतम वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू जीरो को छोड़ के सब हो सकती है, तो जीरो तो नहीं होगी, अधिकतम वन इसमें है, तो ये मारो टिक। देखो बी की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगे तो ये पूरा लगभग इनफाइनाइट होगा, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो ये जीरो नहीं होगी, जीरो से थोड़ी बड़ी होगी, इसका मतलब आप जीरो और वन के बीच में। ये वैल्यू उच्चिष्ट मान, ये लो निम्निष्ट मान पूछ ले माइनस पांच। इस तरीके से ही क्वेश्चन को आपको करने हैं, तो ये तरीका तो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट देखो, देखो एफ एक्स इजल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एफ डैश इजल टू वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इजल टू एक्स इजल टू प्लस माइनस वन, ठीक है। एफ डैश एक्स निकालो, डबल डैश एक्स की क्यूब, आपको क्या चाहिए, उचिष्ट माइनस वाला रखो, एक्स इजगल टू माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन इजगल टू माइनस का टू, ठीक है। इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट देखो भाई, ये क्वेश्चन तो इजी है वैसे, इसको क्या है, ये अपना एफ एक्स नहीं है, वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन है, अपना एफ एक्स निकालो, क्या वन अपॉन जेड,
देखो ऊंचिष्ठ निम्निष्ठ चेंज होंगे यहाँ, 4x² प्लस का 2x प्लस का 1, एफ डैश एक्स निकालो, क्या 8x प्लस का 2 इजगल टू 0, एक्स इजगल टू -1/4, क्या चाहिए आपको? ठीक है, x की वैल्यू -1/4 पुट करो यहाँ, x की वैल्यू -1/4 पुट करो, क्या हो जाएगा? 1/16 प्लस माइनस 1/2 प्लस 1। अब देखो नीचे 16 लघुतम ले लो, 1 तो ऊपर हो ही जाएगा, नीचे 16 आ जाएगा, 8 प्लस 16, ये क्या हो रहा अभी? ऊपर 16 नीचे 9, नहीं उल्टा होगा ना, हाँ प्लस वाला लेना है अपने को, ये प्लस होगा क्योंकि इसको चेंज होगा ना, प्लस करेंगे तभी तो अधिकतम होगा, प्लस 1/4 लो, ऐसी मिस्टेक मत कर देना, 1/4 16, ये क्या हो गया 16/25, इसकी कैलकुलेशन चेक करना, जो भी कैलकुलेशन आएगी वो आपका हो जाएगा, ठीक है। इसकी अधिकतम मान और भी हो सकता है, मतलब 16/25 से ज्यादा भी हो सकता है, चेक करना कैलकुलेशन से, ये अपने आप कर लेना। एक धनात्मक संख्या स्वयं के व्युत्क्रम को जोड़ने में निम्नतम होता है, ये लो संख्या को व्युत्क्रम, पीछे अभी तो जोड़ी है, ये पी एंड क्यू कर लेना क्योंकि मान हमने निकाल लिए, ए की वैल्यू पी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एफ एक्स इजगल टू क्या हो गया, x² प्लस 2bx प्लस c², ये तो एफ एक्स, और एक अपने पास जी एक्स, -x² -2cx एफ डैश एक्स इजगल टू 2x प्लस का 2b इजगल टू 0, ठीक है, x की वैल्यू माइनस का b आ रही है, भी क्या सही है, x इजगल टू माइनस बी चेक करना, ठीक है, एफ बी निकालना, एफ बी x इज गया माइनस बी पुट करो, b² माइनस 2b² प्लस का c², इसका मतलब c² माइनस b² हो गया, एक तो देखना ये माइनस माइनस का 2x हो गया, ऊपर वाले एफ एक्स का कर रहा हूं, माइनस का 2x प्लस भाई प्लस का 2x प्लस का 2b, ठीक है b आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, b रखो यहां, b² हो जाएगा, माइनस 2b² हो जाएगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी डैश एक्स निकालो, माइनस का 2x माइनस का 2c इजगल टू 0, एक्स इजगल टू माइनस का c, यहां जी एक्स क्या रखो, जी निकालो अभी, माइनस का c² प्लस का 2c² प्लस का b², तो ये हो जाएगा c² प्लस b², ठीक है। इन दोनों को देखना, ये इसको p मानना और इसको q मानना, ठीक है, और फिर आप मैच करना, मैच करोगे तो आप ये चिन्ह लगाना, जो भी वैल्यू आए वो बताना, लेकिन c² माइनस b² हो गया, ये p² करेंगे तो इसका स्क्वायर करना, मतलब p² करना, देखो p की वैल्यू क्या होगी, एफ बी वाली p की वैल्यू तो होगी c² माइनस b² p की वैल्यू, q की वैल्यू क्या होगी c² प्लस b², अब इसका स्क्वायर करना, ये 4 दे देगा, ये क्या करेगा फिर, इसमें कहीं कहीं मिस्टेक हुई है, आप देखना। अच्छा इसका मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, नहीं कि x वाली लेनी है, हाँ जी डबल डैश निकालो, अच्छा इसमें मैक्सिमम छोटा और बड़ा p² कहाँ है, अच्छा ये और हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है भाई,
देखो इसको दोबारा करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा देखो इसको, अपना एफ एक्स तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस टू सी स्क्वायर, और जी एक्स क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालो, टू एक्स टू बी इज इक्वल जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, ये तो ठीक है भाई। एफ डबल डैश एक्स निकालो, तो ये बात तो वही बनी, लास्ट में जाके मिनिमम आएगा इसका बीपी आएगा, तो डायरेक्टली एफ एक्स ही निकालो फिर, बी स्क्वायर माइनस का टू बी स्क्वायर प्लस का टू सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टू सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाएगा आंसर, जी डैश एक्स निकालो, माइनस का टू एक्स माइनस का टू सी इजगल टू जीरो, तो एक्स इजगल टू माइनस सी, यहाँ जी माइनस सी निकालो भाई, ये क्यू हो जाएगा आपका, ये पी हो गया, तो क्यू क्या हो जाएगा आपका, रखो माइनस का सी स्क्वायर प्लस का टू सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या चाहिए आपको, मिनिमम एफ एक्स बड़ा है मैक्सिमम जी एक्स, ठीक है, तो इसका मतलब पी बड़ा है क्यू से, तो टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बड़ा होगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, सी स्क्वायर इधर लाओगे इधर ये बी स्क्वायर लाओगे, तो सी स्क्वायर बड़ा होगा टू बी स्क्वायर से। तो अब देखना, अब यहाँ क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, अब लो सी इजगल टू क्या हो जाएगा, मोड बी इजगल टू, मोड सी इजगल टू रूट टू, जहाँ कहीं भी बड़ा आंसर दिखे ये कर दो, तो ये तो नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला, छोटा है बड़ा होगा, ये आंसर लो। देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आउकलन में मैंने और हर टॉपिक में ही बताया है ये क्वेश्चन, पीछे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है कि इसका आउकलन एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, ये अपने पास डायरेक्ट एफ एक्स की वैल्यू ये दे दी, टी ई की पावर टी स्क्वायर दे दी एफ एक्स, और जी वन जीरो से एक्स, एफ एक्स तो इसका आकलन करेंगे क्या, टी स्क्वायर को एक्स मानेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, टू टी डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो भी आंसर आएगा आपका, ठीक है, ये लो लिमिट चेंज होगी जीरो रूट टी, और ये क्या हो जाएगा आपका ई की पावर ई की पावर माइनस ही लगा दो, फिर माइनस ही ले लो यहां, तो ई की पावर एक्स ही बन जाएगा डी एक्स, और एक वो टू टी की वो रूट एक्स रखोगे, तो मतलब इस तरीके से आप एफ एक्स निकाल लेना। ठीक है, एफ डैश एक्स कैसे निकालोगे, इसको डायरेक्ट तोड़ोगे, ये लो समाकलन का एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपको एफ इससे वैल्यू आएगी एक्स इजगल टू केवल जीरो। ठीक है, वैल्यू केवल जीरो आएगी, क्योंकि और तो जीरो नहीं हो सकता। अब एक्स इजगल टू जीरो रखोगे ना, अब इसमें जो समाकलन करोगे एक्स इजगल टू जीरो पुट करोगे, तो आपका आंसर मैच होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो भाई अब ये क्वेश्चन ऐसे खूब कर लिए हमने, ये देखो मैच कौन सा कर रहा है, ये दोनों ही कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, सभी कर रहे हैं संतुष्ट, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई तो सभी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको वैसे ही निकाल लेते हैं। निकटतम दूरी देखो ये हो जाएगी, एक तो मान लो वाई स्क्वायर इजगल टू वन बाई एक्स है, ठीक है, तो एक तो एक्स मान लो, और एक क्या हो जाएगा वन बाई एक्स की वन बाई टू पावर हो जाएगी, रूट हो जाएगी। ठीक है,
मतलब एक्स और एक्स की पावर 1/2, तो वाई में माइनस आ रहा है। देखो एक्स की पावर माइनस, इसको नहीं, ये गलत ऑप्शन, गलत चेक कर लिया ना हम। आप एक्स को क्या रखोगे? देखो आपके पास है इक्वेशन वाई स्क्वायर इजल टू 1/x, एक्स को हमें एक्स ही रखना है, तो वाई क्या निकल जाएगा आपका? 1/√x। इसका मतलब एक्स माइनस 1/2, माइनस 1/2 वाई की वैल्यू। ठीक है, अब चेक करना, एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा तरीका मैंने बताया इन पॉइंटों से डिस्टेंस चेक करना, ये करी लोगे वाई इजल टू 4 - x इजल टू -2 रखोगे, या आंसर मैच हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट करेंगे, देखो 3 3 तो कॉमन ले लो, यहाँ 3 sin² करके 3 cos² 3 कॉमन आ जाएगा। वो तरीका क्या था? बचेगा क्या? sin² x, मिनिमम वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू देगा 0 से 1 के बीच, मैक्सिमम 4 आ जाएगी। आपको जो चाहिए अधिकतम चाहिए तो ये लो, ठीक है, मिनिमम चाहिए, ये मिनिमम है। नेक्स्ट ये निकालना, ये कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लेना। ये पॉइंट देखना कौन कौन से संतुष्ट कर रहे हैं। ये 2 की पावर x + 1 वाला कर लिया हमने, तो उस तरीके से आप करना। ये देखना, ठीक है, ये सेम 2 की पावर x वाले से कर लिया। देखो 3 की पावर x + 1 + 3 की पावर -x + 1, ये तो एफ एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? x + 1 log 3 - क्योंकि ये माइनस आएगा नीचे, x + 1 log 3 = 0। अब देखो log 3 तो आगे चला जाएगा, अब x = -1 रखोगे ना तब ये 0 होगा। देखो -1 रखोगे ये 0 हो जाएगा, 3 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1, -3 की पावर 0 1, 1 - 1 0। x = क्या रख दो, यहां लिख दो 3 पावर 0 + 3 की पावर -0, -0 तो 0 ही होता है, = 2, वैल्यू 2 आएगी ऐसे। लेकिन ऐसा तो हमने कर लिया, ऐसे क्वेश्चनों को देखो अब आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? एफ एक्स इजल टू, इसको बनाओ आप 1 - दिमाग में करना है सारा, a + b का होल स्क्वायर बनाएंगे तो माइनस आगे जाएगा, -ab 1 sin² cos² 1, -2 sin² कोस स्क्वायर, ये बनेगा आपका एफ एक्स। अब देखो निकाल लेना, इसको एक और कर सकते हो आप, 1 - 1/2 sin² 2θ, या 2x, ये कर सकते हो। अब इसको देखो एफ डैश एक्स निकालो, -1/2 2 sin 2x cos 2x, फिर 2 का और 2, तो ये लो 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा एफ डैश एक्स? क्या बचा? sin 4x माइनस का = 0। अब एक्स की 0 पे हो रहा है, पाई बाई 4 के भी हो रहा है, देखो एक्स के मल्टीप्लाई में 4 है, नीचे जाएगा, पाई बाई 4 पे भी हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब आप एफ डबल डैश एक्स निकालो, -4 cos 4x, तो आपको चाहिए न्यूनतम, ये 0 पे क्या हो रहा है? पूरा 0 पे न्यूनतम हो रहा है, देखना कहीं माइनस प्लस की मिस्टेक तो नहीं है, कहीं -4 आ रहा है, 0 रखेंगे ये तो 1 हो जाएगा, आपको चाहिए, हाँ 0 पे नहीं, पाई बाई 4 पे आएगा, पाई बाई 4 पे ये क्या आ जाएगा? न्यूनतम आ जाएगा, सही है। अब देखो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है भाई?
वन बाई रूट टू की पावर फोर, और या फिर इसमें रख दो ये वैल्यू, वन बाई रूट टू की पावर फोर, वन बाई टू प्लस वन बाई टू, नहीं वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर इजगल टू वन बाई टू, ये लो वन बाई टू। तो इसकी चार पावर करेंगे, दो करेंगे तो हट जाएगा, फिर स्क्वायर करेंगे तो ये दो का स्क्वायर चार हो जाएगा नीचे, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। देखो ये तो हमने कर लिया, ट्वेंटी के दो है तो ये तो बारह आठ ऑप्शन ही आ गया। ये एक्स वाला भी हमने कर लिया, ठीक है ये कर लेना। ये मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स। देखो ऐसा हमने कर लिया वन अपॉन एक्स, वही आएगा एक्स इजल टू प्लस माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई होता है और प्लस माइनस टू आएगा, फिर देखना निम्निस टू पे हो रहा है माइनस टू पे हो रहा है। ये ट्रिकें होती हैं कुछ डायरेक्ट करने की, ठीक है। आप ये करना इसका एफ डैश एक्स निकालो। देखो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसका, ऐसे क्वेश्चन इजी एंड वैल्यूएबल क्वेश्चन है। थ्री हो गया साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स माइनस एम कोस एक्स इजगल टू जीरो, भाई कोस एक्स तो ले लो आप कॉमन, थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन इजगल टू जीरो, ठीक है। अब इसकी देखो एक्स की वैल्यू, एक तो ये हो गया कोस इजगल टू पाई बाई टू, ठीक, एक हो गया आपका थ्री साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। अब देखो वन कहां से कहां तक, साइन की वैल्यू कहां से कहां तक रोटेट करती है, जीरो से लेके वन के बीच में, थ्री से मल्टीप्लाई करो थ्री, तो आंसर ये लो, ये अपने आप करना अब, ठीक है। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा डायरेक्ट बताऊंगा तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। परिमित देखो 60 परिमिति एक वर्तीय सेक्टर का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। देखो वर्तीय सेक्टर है मतलब सेक्शन वाला पोर्शन है, जो दसवीं में करते हैं ना दीर्घवृत्त लघुवृत्त खंड वो पोर्शन है ये, तो उसकी परिमिति क्या होती है, टू आर प्लस आर थीटा होती है, जब थीटा दी हुई हो ना, जब वर्तीय हो तो हम थीटा एंगल से घूमती है, यहां डायरेक्ट वहां बात करेंगे, यहां डायरेक्ट बता रहा हूं मैं। परिमिति कितनी हो जाएगी 60, अपने को क्या चाहिए त्रिज्या पे चाहिए, इसका मतलब निकालो आप त्रिज्या पे थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा नहीं चाहिए, थीटा की वैल्यू निकालो 60 माइनस टू आर अपॉन आर, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू टू आर अपॉन आर, आर से आर गया, ये लो dv अपॉन डी आर इजगल टू क्या हो गया पाई आर 60 माइनस टू आर, नहीं ये dv इजगल टू dv इजगल टू डी आर करो तो ये क्या हो जाएगा पाई 60 माइनस टू आर, और फिर ये ऐसे करना r की वैल्यू निकालना, r की वैल्यू जो भी आएगी, मतलब ये इक्वेशन बनानी है आपको। और वर्तीय चापखंड है उसमें पढ़ेंगे हम टेंथ में, टेंथ का जब भी सिलेबस लेंगे तो उस टाइम। देखो ये अपने आप करना, थोड़ा बता देता हूं मैं कैसे होगा, इसका तो कुछ नहीं करना है, दो बार करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ये डीवी अपॉन डी आर निकालना है और आर जीरो करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें देखो आपको अवकलन तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, ये तोड़ो साइन एक्स आ गया आपकी एफ एक्स इजगल टू साइन एक्स इजगल टू जीरो एक्स इजगल टू पाई एफ डबल डैश एक्स, ये तो डैश हो गया क्योंकि ये बताया हुआ है अवकलन पीछे कि कैसे अवकलन, डायरेक्ट समाकलन में दिया हुआ हो तो कैसे अवकलन करेंगे। साइन एक्स का कोस एक्स हो गया, आपको क्या चाहिए उच्चिष्ट निम्निष्ट पाई पे ही चाहिए, पाई पे क्या होगा माइनस वन, पाई रखोगे तो माइनस वन होगा, इसका मतलब पाई पे उच्चिष्ट मार दो टिक। अब देखो ये क्वेश्चन तो हाँ रेडियस पे, ये है थीटा पे, सेम वही लगेगा टू आर प्लस टू थीटा इजगल टू
इसमें कांस्टेंट है कोई, निश्चित है कांस्टेंट। अब देखो इसमें क्या चाहिए, नहीं आर थीटा, हाँ इसमें क्या चाहिए अपने को, थीटा के सापेक्ष चाहिए, इसका मतलब आर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो आर कॉमन लो, टू प्लस थीटा इजगल टू के, आर इजगल टू टू प्लस थीटा, वही फॉर्मूला लगाना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, आर की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, ये तो आपका आ जाएगा क्षेत्रफल का, ठीक है। फिर क्या करो, डीवी अपॉन डी थीटा निकालोगे, डीवी अपॉन डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा का मतलब डबल करोगे, तो ये आपका हो जाएगा। ये अधिकतम दूरी वाला है, निकाल लेना कौन से पॉइंट रख के ही निकाल लेना क्या कौन सी अधिकतम दूरी होगी। नेक्स्ट, अब ये तो हो गया पूरा, अब ये कर लेना क्योंकि इस पे वर्तमान आसमान वो क्वेश्चन पूरे टॉपिक हम कर ही सकते हैं। ये भी इक्वेशन कर लेना, ये क्वेश्चन हमने कर लिया एक कल, और ये कर लेना, ये डायरेक्ट हो जाएगा साइन एक्स वन माइनस एक्स, ये आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो एक्स इजगल टू जीरो और वन आ गया, एफ डबल डैश एक्स निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो साइन का कोस वन माइनस एक्स और फिर माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, वैल्यू जीरो पुट करोगे ये जीरो हो जाएगी और ये वन हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, उचित चाहिए, तो जीरो पे तो नहीं होगा, वन बचा वन हो जाएगा, ये वैल्यू आप निकालना जो भी आए। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है लेकिन क्वेश्चन इजी है। माना त्रिघात बहुपद एक्स की क्यूब माइनस ठीक है, देखो x की क्यूब माइनस पी एक्स प्लस का क्यू है, एफ एक्स इजगल टू एफ डैश एक्स इजगल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का पी इज इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। तो x इजगल टू पी अपॉन प्लस माइनस का रूट थ्री, एफ डबल डैश एक्स निकालो क्या हो जाएगा 6x, क्या चाहिए आपको, इसमें ऑप्शन में दोनों ही है, तो माइनस रखोगे तो अधिकतम होगा, अधिकतम ये ऑप्शन कहाँ है, माइनस वाला अधिकतम ये रहा, ये ऑप्शन लगाओ। अब देखो a एंड b की वैल्यू फाइंड करना है, ये निकाल लेना, cos x उच्चिष्ट समुच्चय कहां पे होगा, देखो भाई ये उच्चिष्ट, एक तो x इजगल टू जीरो, ये पाई टू पाई, ये जहां भी मैच हो रहा है उचिष्ट चाहिए, अच्छा ये नहीं होगा, ये निम्निष्ट हो गया ना, उचिष्ट है जी फोर पाई माइनस टू पाई, तो ये लो टू एन पाई, ठीक है। ये क्वेश्चन है इजी है, ये क्वेश्चन कैसे करें, ये क्वेश्चन तो कर लेना एफ डैश एक्स निकाल के, ये क्वेश्चन देखना कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। आपको क्या चाहिए, न्यूनतम मान चाहिए, ये न्यूनतम मान क्या दे सकती है, इसको जीरो रखो, वन माइनस टू माइनस वन दे सकती है ये लो, ठीक है। एफ एक्स एफ डैश एक्स से निकालोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे ही इन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का ये क्वेश्चन देख लो भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन रिलेटेड है, ठीक है। एफ एक्स इजगल टू एफ डैश निकालो, एफ डैश एक्स तो दिया हुआ है, टू पी एक्स इजगल टू क्यू है। अब देखो थ्री पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो जीरो तो नहीं होगा, ठीक है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब आपको निकालना है, जब k की वैल्यू वर्तमान और आसमान में कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से कम करते हैं, तो उसी प्रकार ये तो हो जाएगा फोर पी स्क्वायर माइनस फोर थ्री पी और q हो जाएगा, ठीक है। अब करना आगे ऐसे, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को कर ही सकते हो आप, इसको भी लघुतम दूरी निकालनी है, ये क्वेश्चन देखना, देखो इसमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी
9x है, एफ एक्स की वैल्यू क्या दे दी आपको, 2x की क्यूब माइनस, देखो जब अधिकतम मान आए ना तब जरूरी नहीं है कि इसी पे मान, अधिकतम मान बड़ा भी हो सकता, उच्चिष्ट पॉइंट से अधिकतम मान बड़ा हो सकता, आपको चेक करना पड़ेगा। इसका एफ डैश एक्स निकालोगे 30x 36, ये तो निकाल लिया, क्या आया था अपने लगभग 2 and 3 आया था, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई 6 कॉमन आएगा, यहां पे 6 बचेगा, 2/3 2 and 3। यहां पे देखो एक कंडीशन और दी हुई है, -9x इजल टू 0, तो ये 4 and 5 आएगा, 9 को तोड़ोगे 4 और 5 आएगा। अब इन चारों में से चेक करना, जिस पे भी अधिकतम आए वो आपका अधिकतम वैल्यू हो जाएगी। ये कर ही लिया तो ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला बनता है, इनका अधिकतम का क्या होगा, a² + b² न्यूनतम का -a² + b² इन दोनों का योग 0 और दोनों का अंतर √a² + b². नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 176 सेमी परिमाप के आयत का अधिकतम क्षेत्रफल निकालना है। भाई अपने को दिया आयत का परिमाप, परिमाप क्या होता है, 2x + y की वैल्यू दे दी 176, x + y हो गया 88, तो एक तो x हो गई, y की वैल्यू क्या होगी, -88 हो गई, ठीक है। अब देखना आगे, ये दो पॉइंट हो गए, ठीक है। अब आप क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा x 88 - x, ये आपका एफ एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स 88 - x - x², ठीक है। एफ डबल डैश निकालना 88 - 2x, नहीं 88 तो यहीं से निकालना आपको, एफ डैश एक्स ही, तो एक्स इजल टू 0 और एक्स इजल टू 88। तो अब देखो भाई एक्स की वैल्यू यहां रखना, नहीं हाँ मल्टीप्लाई, देखो ये क्वेश्चन में मिस्टेक, क्वेश्चन अब ज्यादा हो गए हैं, स्पीड भी बढ़ गई, इसके कारण मिस्टेक होने लग गई है अभी, तो देखो दोबारा देखो अभी क्वेश्चन को, x और 88 इसका क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा x - x, a डैश इजल टू अंदर मल्टीप्लाई करो 88x - x². अब देखो क्या हो जाएगा, ये 88 - 2x = 0, x = 44। अब x की वैल्यू यहां पुट कर दो, 44 × 44 वैल्यू लगभग, 44 का स्क्वायर तो यही होती है, आपका आंसर मैच हो गया। देखो ये जो मैं प्रूफ करने की बात कर रहा था, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्या कह रहा है कि गोले से काटे गए अधिकतम आयतन वाले बेलन की ऊंचाई, गोले के अंदर कोई बेलन काटा हुआ है, ये लो बेलन कोई, ठीक है, ये बेलन की ऊंचाई मान लेते हम h, ये पॉइंट है, ये त्रिज्या क्या होगी इसकी, रेडियस a हो गई, ये हाइट क्या हो गई, a h/2 हो गई, इसको रेडियस मान लेते हैं r। ये तो हम देखो बेलन की रेडियस क्या है, इसकी रेडियस r है, ठीक है, हाइट h है, यही मानना है, और इसकी त्रिज्या रेडियस दी हुई है a। अब देखो अपने को क्या चाहिए, आयतन, आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन, मतलब अपने को रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, हाइट तो है अपने, ठीक है। अब देखो अपने पास बन गया ये तो आर हो गई, ये एच बाई टू हो गया और ये ए हो गया। अब निकालो इसकी वैल्यू, अपने को तो आर नहीं चाहिए,
आर की जगह कुछ पुट करना है तो आर की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा फोर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पुट कर दो पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर एच हो गया। ये भाई क्या हो गया अपना आई, ठीक है। तो अब देखो आगे v आ गई, अब अपने को dv अपॉन dv निकालना है, dh निकालो, ये क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, एच अंदर मल्टीप्लाई होगा एक बार किया पाई ए स्क्वायर माइनस यहां पे क्यूब पाई, पाई अंदर मल्टीप्लाई किया साथ में एच क्यूब हुआ थ्री पहले लिया फिर पाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, देखो पाई तो गया ठीक है। अब आपके पास क्या बची है ए स्क्वायर माइनस थ्री बाई फोर एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर को इधर ले आओ और इसको एच स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर अपॉन थ्री बचाए एच इज इक्वल टू टू ए अपॉन थ्री, ये तो इसकी वैल्यू हो गई जो आपका आंसर। अब देखो कैसे किया, इसको गोले के अंदर लिया है बेलन, बेलन मान लिया, बेलन की रेडियस आर ले ली, हाइट एच ले ली, पूरी हाइट इसकी एच है तो ये पॉइंट एच बाई टू होगा, ये रेडियस क्या हो गई ए जो अपने को दी हुई है। अब देखो जो पाइथागोरस प्रमेय लगाई है और आर की वैल्यू मैंने पुट की है, आयतन का फॉर्मूला आपको याद रखना ही होगा, फिर एच के सापेक्ष पहली बार किया है, पहली बार में जीरो रखा, एच की वैल्यू निकाली, अपने को हाइट ही तो चाहिए, बेलन की क्या चाहिए हाइट चाहिए, एच की वैल्यू निकालनी थी, एच की वैल्यू टू ए अपॉन रूट थ्री। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं इसलिए वहां थ्योरी में उन्होंने ऐड कर रखा है और मैंने यही तो कहा आगे प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वाई इजल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब अपने को ऐसा रखो रूट एक्स और एक्स हो जाएगा, फिर पॉइंट जीरो और सी से डिस्टेंस निकालो, ये तो एक्स हो जाएगा और ये एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका एफ एक्स आ गया। देखो रूट एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर किया एक्स हो गया, एक्स माइनस सी का किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स माइनस सी का स्क्वायर हो गया, ये तो है आपकी पी स्क्वायर, ये क्या है पी स्क्वायर, क्योंकि रूट होता है तो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होती है भाई रूट होती है। यदि कोई भी समझ में नहीं आई तो बता देना, अब क्वेश्चन भी लगभग पांच सात हो रहे हैं। एफ डैश एक्स इजगल टू वन हो गया, टू एक्स माइनस सी इजगल टू जीरो, वन हो गया टू एक्स माइनस सी इजगल टू जीरो हो गया, ठीक है। रखो भाई एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करो, वन प्लस टू एक्स माइनस टू सी इजगल टू जीरो, टू एक्स इजगल टू टू सी माइनस वन, एक्स इजगल टू सी माइनस एक बटा दो। अब देखो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आ गई, ठीक है, यहां पुट कर दो, यहां पुट करोगे तो क्या हो जाएगा भाई रूट में p है तो p निकालनी है अपने को, तो फुल रूट ले लो, यहां तो हो जाएगा x की वैल्यू c माइनस टू, अब इसकी जगह रखो c माइनस टू माइनस सी का स्क्वायर, c से c गया मतलब वन बाई फोर, वन बाई फोर, देखना भाई p की वैल्यू क्या हो जाएगी c वन बाई टू प्लस वन बाई फोर सी माइनस वन बाई फोर, ये डिस्टेंस आ गई, ठीक है। क्वेश्चन देखो दोबारा, ये अपने कंडीशन दी थी, हमने पॉइंट निकालते हैं, डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस की इक्वेशन अपना एफ एक्स बनाया, अपना एफ एक्स बनाया, फिर एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वैसे ही वैल्यू निकाली है और फिर इसमें पुट किए, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया, आपका आंसर मैच हो गया। ये देखो नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन सम आ रही है, सम आ रही है टू एन सम आ रही है, मैंने क्या कहा था सभी प्लस आ रहे हैं, एक निम्निष्ट देगा, निकालना उस तरीके से, ठीक है।
ये देखो आपको जेड दे दिया 43x² + 8x³ = 18x² + 16। 1/z करना, 3x² + 8x³ - 18x² + 60। अपना एफ एक्स तो ये है, निम्निष्ठ चाहिए, अपने को उच्चिष्ठ निकालेंगे, एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और इन वैल्यू निकाल लेना। ये चीज है, अधिकतम आयतन लंबवती है शंकु की ऊंचाई। ए व्यास, व्यास दे दिया भाई, अब की बार गोले का व्यास दे दिया ए। शंकु फिर भी लंबवती दे रहा है, तो ये लो शंकु या बेलन, शंकु और ये लंबवर्ती बनाओ। ठीक है, आपको क्या चाहिए, हाइट चाहिए, मतलब एच चाहिए आपको। तो देखो इसमें ये पॉइंट रेडियस ए दे दिया, इसको आप ए मान लो, इस यही ए बाई टू हो जाएगी फिर, और ये ए बाई टू हो जाएगी, पूरी को एच मान लो, नहीं ये ए बाई टू नहीं, ठेठ तक ए बाई टू होगी, मतलब यहां से यहां तक ए बाई टू होगी, पूरी ए यहां तक ए बाई टू नहीं होगी, ये तो रेडियस हो गई, ये तो हाफ ए बाई टू हो गई। देखो ये हो जाएगी नहीं, इसमें व्यास दे रखा है। अच्छा, देखो व्यास, हाँ व्यास है तो ए दिया है, तो आर इजल टू ए बाई टू, तो ये ए बाई टू हो जाएगी, ये भी रेडियस ए बाई टू हो जाएगी। ये क्या होगी भाई, एच माइनस ए बाई टू, इसका मतलब अपना बन गया फॉर्मूला ये, इसको तो अब आर मान लो, आप जो भी मान रहे हो वो, ये तो आर मान लो। ठीक है, और ये क्या बन जाएगी, ए बाई टू, और ये एच माइनस ए बाई टू। अब अपने को फॉर्मूला चाहिए आयतन का, 1/3 πr² h, फॉर्मूला रखना, आर की वैल्यू यहां पर निकालनी है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो पहले डायग्राम समझो इसको, इस डायग्राम यदि समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो पहले तो गोला बनाया, फिर ये शंकु बनाया, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, व्यास आपको दिया है, मतलब डायमीटर ए है, तो ये ए बाई टू हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगी, ए बाई टू, ये भी रेडियस है, ए बाई टू हो जाएगी। हमने पूरी यहां से यहां तक कोई एच मान लो, तो अपने को तो ये एंगल चाहिए, आर चाहिए, तो ये इसमें क्या लग रहा है, पाइथागोरस लग रहा है, इसका मतलब ये निकालें अपने, ये हो जाएगी एच माइनस ए बाई टू, क्योंकि हमने पूरी एच मानी है, ये आर मान ली, अब ये बन गया। अब आर निकालो, r² = a/2² - h - a/2² a² / 4 - h² डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, प्लस का a h और प्लस का माइनस का, क्यों माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये तो कट गया, तो a h - a² ये r² की वैल्यू है, ये यहां पुट कर दो और वैल्यू आप फिर dv/ds निकालो, फिर क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा बता देता हूं, फिर h से निकाल लेना आप, तो v क्या हो जाएगा, 1/3 πa h - h² × h। अब dv/ds निकालना, जो भी h की वैल्यू आएगी, देखना 1/3 तो कोई महत्व ही नहीं है, a h² - h³ हो गया, 2ah - 3h² = 0, h कॉमन ले लो, 2a - 3h = 0। अब h की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, 0 होगी तो शंकु थोड़ी है, तो h की वैल्यू 2a - 3h = 0, h की वैल्यू 2a/3। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डायग्राम देख लेना ऐसे ही बनेगा, रेडियस व्यास दिया हुआ है तो आप ए रेडियस मत मान लेना। अब देखो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है कि आप क्या करोगे, नहीं तो एफएक्स निकलाओगे, कुछ नहीं करोगे आप, आपको केवल वैल्यू देखना है, न्यूनतम चाहिए, न्यूनतम क्या आ सकती है भाई, 1 रखो,
जीरो, ये तो क्या हो रही है, वन माइनस वन, नहीं वन माइनस वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस वन, ये कट के वन बाई थ्री आ रही है, सबसे न्यूनतम यही है, जीरो नहीं आ सकती क्योंकि यहां कांस्टेंट रह गया। अब ये और देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लंबवर्तीय शंकु है, सेम वो ही है, ठीक है, ये लंबवर्तीय शंकु बनाया, ये एंगल अल्फा मान लो, ये अल्फा है तो ये बेस हो गया और ये इसका लंब हो गया, ये एल होती है तिर्यक ऊंचाई मानते हैं, जो भी हम मानते हैं वो, इसकी हाइट एच मान लो, इसकी आर मान लो, ठीक है, अपने पास कुछ नहीं है, अपने पास चाहिए टेन और छिट्टा, इसको हम टेन इनवर्स एक्स या जो भी छिट्टा, मतलब छिट्टा निकालना है अपने को, बड़ी बात यही है। कैसे निकाल सकते हैं भाई, एच के सापेक्ष तो हम अवकलन कर लेंगे, इसका मतलब एल में निकालो आप वैल्यू, एच और आर की वैल्यू निकालो, और फिर एल तो क्या है, एक लंबाई है तो कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो कोस बेस ये होगा क्योंकि एंगल ये है, एल कोस अल्फा, साइन अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन आर, नहीं आर, आर अपॉन एल, तो आर की वैल्यू एल साइन अल्फा, ठीक है, ध्यान से देखना आप, आपको क्या चाहिए, फिर आयतन चाहिए वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, वन बाई थ्री तो छोड़ दो, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी, अपने को तो वैल्यू निकालनी है, जीरो करना है, जीरो में जाएगा ये बाद में, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, आर की एल स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, एल कोस एल्फा, ये अपना एफ एक्स, अब एल क्यूब हो गया ये, इसको भी छोड़ दो, एफ एक्स एफ डैश एक्स निकालो, एल क्यूब तो आपका हो गया, ये क्या हो जाएगा, टू साइन एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन क्यूब एल्फा, देखना ध्यान से, साइन क्यूब एल्फा, ठीक है, इसको हम जीरो कर देंगे, क्या आ रहा है कॉमन, यहां पे क्या हुआ, टू साइन एल्फा, इसका कोस एल्फा, कोस स्क्वायर एल्फा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, साइन एल्फा कॉमन आ रहा है, एल क्यूब तो थी, साइन एल्फा कॉमन ले लो, टू कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा इजल टू जीरो, इसका मतलब ये भी जीरो के इक्वल होगा, टू कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा इजल टू जीरो, इसको आगे ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, टेन स्क्वायर एल्फा इजल टू टू, टेन नहीं टेन एल्फा इजल टू रूट टू, एल्फा इजल टू ये लो, तो देखो क्वेश्चन दोबारा देखो, तिर्यक ऊंचाई अधिकतम आयतन, हम एच और अधिकतम आयतन के लंबवर्तीय देखना है, मतलब ऊंचाई को यहां लेके चले, ये लो गोला और लंबवर्तीय, ये फोर वर्तीय है तो वर्तीय शंकु ले लिया हमने, अल्फा ले लिया, ये तिर्यक ऊंचाई, ये हाइट और ये आर, ये तो टेंथ में ही करते हैं, अब क्या किया अपन, एक कोण ले लो आप, अल्फा तो है ही, बाकी को आप क्या कर दो, हटाना है कैसे भी करके, कोस अल्फा एस बाई अल्फा, क्योंकि एंगल इस पे बन रहा है तो बेस ये होगा, साइन अल्फा ये हो जाएगा, ठीक है, यहां से एच की वैल्यू, यहां से आर की वैल्यू, इस फॉर्मूले में लगाया, वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच, जो भी कांस्टेंट है उसको हटा दो एक बार, एफ एक्स निकालना है अपने को, क्योंकि कांस्टेंट तो बाद में एफ डैश एक्स करेंगे, वो जीरो में चला जाएगा, अपने पास बचा है एल क्यूब, ये एल और एल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एल्फा कोस एल्फा, इसका जैसे ही हम करते हैं उस तरीके से किया, और आप दो बार, एक बार करोगे तो आपकी एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स टेन एल्फा। अब मेरी यही राय है कि जहां कहीं भी आंसर दिखे रट लेना, ऐसा कुछ दिखे ना लंबवर्तीय लंबवर्तीय ऑप्शन में ये दिखे तो ये मार देना डायरेक्ट, रूट वाला टेन टू वाला मत मार देना, ये मार देना,
यदि संख्या तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी इक्वेशन ही नहीं दी है, ये ही आएगा, इसमें ऐसा नहीं है कुछ चेंज नहीं होगा। कोट चेंज कर सकता है, कोट 1/√2 कर सकता है घुमाने वाला, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये 10 के दो भाग, ये तो हमने कर ही लिए हैं, दो भाग क्या करोगे, एक x और एक tan माइनस x कर लेना ऐसे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखो, ये भी कर लोगे आप, क्योंकि इसको देखना पड़ेगा, f डैश x निकालोगे और फिर वो प्लस माइनस से करना, जो पहले वीडियो में किया था ना मैंने, फर्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है। तो इस तरीके से देखो, ये क्वेश्चन आज क्वेश्चन हो गए ज्यादा, और ये डीवाई बाई डी एक्स उसी तरीके से ये करके बता देता हूं मैं, ठीक है। ये 1 माइनस एच रखो, माइनस में होगा, और ये तो फिर प्लस ही होगा ऊपर पावर, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस एच रखो, प्लस और प्लस ही रहेगा ये, तो निम्निष्ट होगा भाई, किस पे, 1 पे, ये लो। इसी तरीके से पहले वाला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन तो और भी हैं शायद, लेकिन आज अभी इतना ही करेंगे, और क्वेश्चन निकालना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करो, देखो e की पावर 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इजल टू साइन स्क्वायर है। देखो e की पावर x कभी भी क्या नहीं देता, न तो उच्चिष्ट पॉइंट देता न निम्निष्ट देता, लेकिन मैंने कहा कि यदि ये उच्चिष्ट होगा और इसको e में कर दिया तो ये उच्चिष्ट हो सकता है फिर, तो इसको आप u मानो। ये मैं पूरा कर देता हूं, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, खूब क्वेश्चन होंगे। साइन स्क्वायर एक्स, यू डैश निकालो, 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस इसका करो 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1 साइन एक्स कोस एक्स। अब देखो साइन एक्स इसमें या साइन एक्स इसमें ही है, तो आप साइन एक्स कॉमन लेके 0 के इक्वली कर दो, x इजल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहां 0 पुट करोगे तो ये 0 और ये भी 0, तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी, e की वैल्यू 0 इजल टू 1। इतना ही करेंगे, ठीक है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। उच्चिष्ट निम्निष्ट का पार्ट अब अपना कंप्लीट हो चुका है, कल हम करेंगे टेंजेंट लाइन और अविलंब, जो भी है नॉर्मल और टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो ठीक है, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो भी प्रॉब्लम आई इस टॉपिक में तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और जो क्वेश्चन था वो बता ही दिया है, और कोई क्वेश्चन टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट कर दीजिए सर। देखो गजेंद्र वैष्णव का फिर क्वेश्चन है कि टॉपिक वाइज क्या कर दीजिए, प्लेलिस्ट कर दीजिए वीडियो में। तो देखो बात ऐसी है कि टॉपिक तो खत्म हुआ ही नहीं अभी, ठीक है। ये टॉपिक देखो, एक तो सिस्टम ऐसा है कि टॉपिक वाइज कैसे करेंगे, एक तो जैसे डिफरेंशियल की अलग करें, उच्चिष्ट की अलग करें, ये तो देखो बनने वाली है नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत प्लेलिस्ट ही प्लेलिस्ट हो जाएंगे, फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। प्लेलिस्ट हम करेंगे जब डिफरेंशियल पूरा हो जाएगा ना, कल अपना स्ट्रेट लाइन और टेंजेंट पूरी हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन टेंजेंट पूरी होते ही मैं पूरी डेरिवेटिव का एक जो 9-10 वीडियो, वो कितने 35-40 वीडियो हैं बनेंगे ये लगभग, तो उसकी एक प्लेलिस्ट मतलब डेरिवेटिव ग्रुप का एक बना देंगे। इसमें सेट रिलेशन फंक्शन और क्या लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियल एक दिशता और क्या उच्चिष्ट निम्निष्ट और टेंजेंट लाइन और नॉर्मल, इन सब की एक बना दूंगा। फिर क्या है, आएगी अपने इंटीग्रल, इंटीग्रल आएगी तो इंटीग्रल की आएगी तो हम एक जो भी एरिया निकालना है, जो भी इंटीग्रल है वो बना देंगे। फिर बीएससी की करवाएंगे तो बीएससी की हर बुक की एक बना देंगे, अन्यथा तो देखो एक एक चैप्टर की एक एक बनाऊंगा तो फिर ये प्लेलिस्ट के बराबर ही है, एक चैप्टर के 2 या 3 ही तो वीडियो है। तो और ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करो, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।